ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन क्या होता है बोलिए? सब लोग बोलते हैं बाष्प उत्सर्जन, क्या बोलते हैं हिंदी में बात करें? बाष्प उत्सर्जन क्या होता है बोलिए? ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें बोलिए कि देखो ट्रांसपायरेशन होता है क्या, प्लांट की एरियल पार्ट से, किससे बेटा बात करें? प्लांट की एरियल पार्ट से बोले बात करें, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होने को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, समझ पा रहे हैं? जिसको अपन बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, क्या बोलते हैं? ऐसे हिंदी में लिखा होता है वाष्प उत्सर्जन, तो वो है क्या रियल दीदी? बात करें वाष्प का उत्सर्जन मतलब बुढ़े बात करें जो वाटर बेटू बात करें प्लांट की रूट के रूट हेयर ने एब्सॉर्ब किया था, प्लांट की रूट ने किया था कि रूट हेयर ने? जो बेटा बात करें ग्राउंड वाटर को बुढ़े बात करें प्लांट की रूट के रूट हेयर ने एब्सॉर्ब किया था, वो बुढ़िया बात करें पानी ऊपर आता है ठीक है स्टेम में, और स्टेम के बाद दीदी बताओ लीफ में आएगा, स्टेम में आएगा पूरी जगह, और वो पानी बुढ़िया बात करें मोस्ट ऑफ वाटर, जैसे अगर आप बात करें एक दिन में बुढ़िया 100 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करते हो तो नियरली बुढ़िया बात करें प्लांट का 99 से लेके या 98 से लेके 99 लीटर वाटर बुढ़िया बात कर लॉस होता है पर डे का, मतलब वो जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसके बुढ़िया बात कर 98 से लेके 99% पानी तो लॉस होता है बेटा बात करें। तो ये लॉस दीदी क्यों कर रहा है? इतनी मेहनत से तो बेचारा एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर बुढ़िया बात का अपन बोलते हैं कि वैसे तो पानी है नहीं हमारे अर्थ में, है कि दोस्त? जगह जगह कुआं खोद रहे बेचारे फैल हो जाते हैं, बोर फैल हो जाते हैं, ये पानी क्यों पानी बताओ? तो आज पता चला अपन को कि भैया की पानी क्यों जमीन में कम है, ये प्लांट क्या करते दिन भर तो पानी एब्सॉर्ब करते है कि नहीं, और फिर क्या करते उड़ाते रहते पानी बेचारे। तो ये दीदी बात कर रहे बताओ ये गलत काम कर रहे कि नहीं कर रहे? गलत नहीं कर रहे भैया, हम सब डिपेंड प्लांट पे हो, प्लांट डिपेंड बेटा बात कर, समझ पा रहे? पानी पर है, आपको पता है बोलू बात कर, जैसे अपन को दीदी गर्मी लगती है अपन तो बुढ़िया बात कर छुप जाते कहीं भी छुप जाते, धूप में दीदी बात करें पंखे चला लेते, कूलर चला लेते, बुढ़िया बात करें छाता लगा लेते, कुछ भी कर लेते। प्लांट बेटू बात करें पता है अपनी बुढ़िया बात करें जो हमारे पास हीट का बुढ़िया बात करें अपने टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन कैसे करता है? ट्रांसपायरेशन के द्वारा। जैसे बुढ़िया हमें गर्मी लगती है हम बेटू बात करें अपनी बॉडी की स्किन की दीदी बात करें टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं किसके द्वारा बेटा बात करें? पर्सपिरेशन के द्वारा, मतलब पसीने के द्वारा, याद है पसीना आता है बुढ़िया वो उड़ता जाता है ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है बुढ़िया बात करें मेंटेन बना रहता है, समझ पा रहे? होम्योस्टेसिस बनी रहती है, होमिस्टेसिस का मतलब क्या है बुढ़िया बात करें अपनी बॉडी के इंटरनल बुढ़िया बात करें ठीक है कंडीशन को मेंटेन करना, मतलब इक्विलिब्रियम बनाए रखना। अगर बेटा बात करें जितना टेम्परेचर उतना टेम्परेचर होना चाहिए बोलू बात करें, जितना वाटर उतना वाटर होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन है लिक्विड की वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि हमारे एंजाइम अच्छे से फंक्शन कर पाए, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी डिहाइड्रेशन हो जाता है बोलू तुरंत आपको क्या लग जाता है बेटा बात करें? आपको पता है हार्ट रेट कम हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, समझ पा रहे दोस्त? डिहाइड्रेशन हो दीदी बात करें फिर दिमाग काम नहीं करता है। अगर बुढ़िया बात करें पानी ज्यादा बढ़ जाए बेटू बात कर हाइपरटेंशन हो जाती है, सोच पा रहे बेटा बात कर? हाई बीपी हो जाता है, मतलब ना तो पानी की अधिकता अच्छी है ना ही कमी अच्छी है। कुछ लोगों को पता नहीं बुढ़िया बात कर आजकल पता है कि पानी पीना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, ये तो हर कोई बोलता है कि पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं दीदी बात कर पानी इतना अच्छा होने लगा, समझ पा रहे, कि दिन भर हम क्या करने लगे पानी पानी पीते लगे। आजकल तुम्हें देखो कुछ पागलों की कमी नहीं है दीदी बात कर दुनिया में, जहां भी जाएंगे बोतल को लटका के ले जाएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ तुम बुढ़िया बात करें जैसे अगर क्लास में देखो कोई अपने दिल से मत लेना क्योंकि तुम लोग लेके आ रहे हो ठीक है, मुझे क्लास में अपन बैठ रहे हैं फिर अपन कभी खेत में काम करने जा रहे जो लोग उनको बुढ़िया बात एक दो बार पानी पीना है तो वो बोतल ले जाएंगे, नो डाउट। कंडीशन क्या होती है कि तुम आधा घंटा रनिंग करने भी जाओगे उसमें एक बोतल लेके घूमते फिरेंगे, सोच पा रहे? मार्केट की दुकान पे जाने एक घंटा जाने बोलो अपन को पता उसमें भी बोतल लेके जाएंगे, हर वक्त दीदी बात करें पता है बैठे बैठे पानी पीते रहते हैं, तो दिन भर में कुछ लोगों का सिस्टम ये होगा कि 4 से 5, 5 से 6 लीटर पानी निपटा देते हैं। ज्यादा पानी अच्छा है क्या? ज्यादा पानी अच्छा नहीं, सोचो तुम पानी ले जाओगे दीदी हाई बीपी होगा फिर बॉडी पे दिन भर काम करवाया जा रहा है, उधर पानी पिया जा रहा है उधर बॉडी को दीदी मेंटेन करने की, ज्यादा पानी नहीं रहा तो हाई बीपी हो जाएगा, तो उसको जल्दी बेटा क्रिएटिन के द्वारा फिल्टर करके बाहर फेंकना है, भाई कितना ऑर्गन को तुम थकाओगे, सोच पा रहे? तो ज्यादा पानी भी अच्छा, उससे भी इंसान क्या होता है बीमार पड़ता है। अगर सोचो बुढ़िया ज्यादा पानी पिएंगे हम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेटू बात कर हाई बीपी होगा, और वही बुढ़िया बात कर ब्लड बढ़ेगा तो वही ब्लड कहाँ पे आएगा? आंखों में आएगा, तो बुढ़िया बात करें आंखों के अंदर लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा तो बेटा इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बढ़ता है, समझ पा रहे? तो आंखें भी जल्दी क्या होती है बुढ़िया खराब होती है, ज्यादा पानी बहुत खराब है। तो पानी का बुढ़िया बात कर सेंस लोगों को पता नहीं कितना पानी, पानी बोलो कितना ज्यादा अच्छा बेटा बात करें 10 से या 8 से यदि बात करें 10 या 12 ग्लास गुड़िया पानी सफिशियंट होता है, 8 से लेकर 10 ग्लास पानी पियो इतना ही पानी चाहिए गुड़िया बात करें, और इतना पानी नहीं चाहिए। कुछ लोग एकदम 4 से 5 लीटर तक निपटा देना दिन में तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, फिर दिन भर सुसु करते रहते हैं, तो ज्यादा पानी भी सही नहीं है। तुमने गाँव में देखा क्या? अपन बोलते कम पानी पी रहे तो यहाँ पे बीमार पड़ रहा है, भैया गाँव में लोगों को देखा गुड़िया बात करें 1-2 बार मतलब 3-4 बार पिएंगे मुश्किल से वो, और एक एक लोटा सूंघते हैं, समझ पा रही है? 3 बार में 3 लीटर निपटा दिया बस दीदी बात करें कोई बीमार नहीं,
उठते ये निपटा दिए, हाथ जा रहा तू निपटा देंगे, समझ पा रहे, खेत से आएंगे खाना खाते समय निपटा देंगे, समझ पा रहे। तो वो दो तीन बार तीन चार बार पीते हैं और एक एक लीटर निपटाते हैं, आधा एक एक लीटर उनका दिन हिसाब किताब रहता है, 2.5-3 लीटर के बीच में निपटा लेते पानी को, एकदम मेंटेन कर रहती बॉडी। अब यहाँ पे या तो पीते नहीं अपन, ये नुकसानदायक है बड़ा, पता चला कुछ लोग तो दिन भर में 2 गिलास पानी पीते हैं, जब वो खाना खाते तो 1 गिलास तब पियेंगे, बुरे बात कर रहे, समझ पा, शाम को खाना खाएंगे तो 1 गिलास तब पियेंगे, फिर पानी नहीं पीते हैं, समझ पा रहे, फिर बोलते बुढ़े बात कर, पता प्रॉब्लम आ रही है। तो पानी भी जरूरी है, पर कितना जरूरी बुढ़े बात करें, लेकिन तुमने देखा होगा दोस्त, आप जितना पानी पीते बुढ़े बात करें, क्या उतना पानी यूरिन के द्वारा निकाल पाते आप? नहीं निकाल पाते। आपने देखा दोस्त, अगर हम 2 लीटर पानी पीते बुढ़े बात करें तो कंडीशन की बात करें ऐसी होती है कि 1.5 लीटर के समथिंग हम बुढ़े बात के यूरिन जाते हैं, ठीक है, या 1 लीटर हम यूरिन जाएंगे, तो फिर बाकी पानी कहाँ गया बुढ़े बात करें? बाकी पानी जब हम बोलते हैं बुढ़े बात करें, पता है तो किसके द्वारा बेटू बात करें, सीओटू के साथ निकल जाता है वेपर की फॉर्म में। कभी आपने देखा होगा जब भी बुढ़े बात करें अपन क्या करते हैं, बेटू बात करें मिरर को साफ करते हैं, 2-4 बार सांस मारे, समझ पा रहे, और रगड़ लेते पैंट से, है कि नहीं गोलू बात करें, या बगल वाले की शर्ट टंगी तो, समझ पा रहे, देख तो नहीं रहे वो है तो नहीं कि रूम में दीदी बात करें, क्यों श्यामा ऐसा ही करता है कि राजेश है तो नहीं, समझ पा रहे कि राजेश तो ऐसे ही करता है, श्यामा का रूमाल निकाल कर, समझ पा रहे, अभी है नहीं है जल्दी साफ कर दूं, ठीक है। तो गुड़ी बात कर दूसरे की शर्ट से मार दिया, ठीक है, तो ये तो नहीं निपटाते थे तुम्हारी शर्ट से, नहीं नहीं मिरर जिसमें शक्ल देखते दीदी बात कर, शीशा। तो कंडीशन की बात करें, देखा मतलब वाटर निकलता है, आप बोलो कभी भी देखो आपकी बॉडी से वीडियो बात करें, एनवायरमेंट में गुड़िया अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर का गुड़िया बात करें क्या होता रहेगा, लॉस होता रहेगा। दूसरी बात गुड़िया बात करें टेम्परेचर ना हो, आप बोलो कि सर टेम्परेचर नहीं है तो क्या लॉस नहीं हो रहा होगा, सर्दियों में कहाँ से लॉस होगा, सर्दियों दीदी बात करें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम हो जाता है, आपने देखा होगा आप किस में बहुत ज्यादा फटने लगती है, मतलब बुढ़े बात करें अगल बगल के सराउंडेड में बुढ़े बात करें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, मॉइस्चर की कमी होती है बेटे बात करें तो बगल में आपके ने देखा आपके हाथों के बगल में एयर है, एयर में पानी है नहीं, तो दोस्त क्या होगा बेटे बात करें, याद है बिल्कुल बात करें कि ऑस्मोसिस दीदी बात करें डिफ्यूजन याद आ रहा है कुछ, वाटर का बेटू बात करें लॉस कहाँ होगा उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, एनवायरमेंट बेटे बात करें वाटर है नहीं, गोलू बात करें वाटर सेल्स में है, सेल से पानी निकल निकल के वाटर में कहाँ जाता है सराउंडिंग में आ जाता है, इसलिए हम कपड़े पहनते सर्दियों में ताकि गुड़िया बात करें नमी हमारी बाहर ना निकले, गुड़िया बात करें ताकि हमारी मॉइस्चरिटी बनी रहे। क्रीम क्यों लगाते हैं गुड़िया, पतली सी जरी लगा लो, ये क्रीम लगाने का चलन कहाँ से आया, इसलिए तो आया ताकि गुड़िया बात करें ऊपर से क्यूटिकल जैसे जैसे प्लांट की गुड़िया ऊपर बैक्स लाइक एक परत होती गुड़िया जिसको हम बोलते क्यूटिकल, क्या बोलते बेटा, वैसे गुड़िया हम क्रीम की लेयर चढ़ा देते हैं, सोच पा रहे, हम तेल की गुड़ियों की लेयर बना देते हैं ताकि पानी बाहर ना पाए, या बाहर आना उसका क्या हो जाए कम हो जाए, ताकि हमारी स्किन दीदी बात करें हेल्दी ग्लोइंग बनी रहे, समझ पा रहे, मॉइस्चर में बना रहे। तो कंडीशन की अगर बात करें दोस्त, ऐसा ही प्रॉपर्टी गुड़े कौन शो करते हैं, प्लांट। प्लांट क्या करते हैं बेटा बात करें, एनवायरमेंट में मॉइस्चर कम है तो भी बेटा प्लांट से निकलेगा पानी, समझ पाए, एनवायरमेंट टेम्परेचर ज्यादा है तो गोलू बात करें अगर टेम्परेचर क्यों दीदी मेंटेन नहीं किया प्लांट ने तो उसकी सेल मर जाएंगी, समझ पाए, सेल की डेथ हो जाएगी, एंजाइम एक्शन नहीं करेगा। तो प्लांट क्या करता है गुड़िया बात करें, रियल में मोस्ट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो काहे के लिए एब्जॉर्ब कर रहा है दोस्त, ताकि गुड़िया बात करें उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या बना रहे, मेंटेन बना रहे, और गुड़िया बात करें वो वाटर रूट से एब्जॉर्ब करेगा दोस्त, और कहां लगेगा एरियल पार्ट में, एरियल पार्ट में दीदी बात करें चाहे उसका स्टेम हो, चाहे गुड़िया उसका फ्रूट हो, चाहे उसकी लीफ हो गुड़िया बात करें, समझ पा रहे, चाहे गुड़िया बात करें कोई भी पार्ट ऑफ फ्लावर हो, उन सभी पार्टों से गुड़िया बात करें वो क्या करता है, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस करता है, सोच पा रहे, वाटर को किसके फॉर्म में लॉस करता है, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस करता है, ठीक है। तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन हो जाती है, तो अपन क्या बोले बताओ गुड़िया बात करें, ट्रांसपायरेशन क्या है, The loss of water in form of water vapor from aerial part of plant is called transpiration. क्या बोला बेटा बात करें, द लॉस ऑफ वाटर, वाटर दीदी बात एब्जॉर्ब करेगा रूट, रूट के रूट है जाएगा स्टेम में, स्टेम में दीदी बात करें स्टेम को भी जिंदा रहना है, लीफ को भी जिंदा रहना है, फ्लावर को भी जिंदा रहना है, फ्रूट को भी जिंदा रहना है, तो सबको बुढ़िया बात करें अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ेगा, तो सारे पार्ट से बुढ़िया बात करें वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है। तो द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर का फॉर्म बुढ़िया लॉस किसके फॉर्म में करना है, एग्जैक्ट क्लियर है, सीधी सी बात है बेटू, बात करें वाटर को किसको बेटू बात करें, वाटर को, समझ पा रहे बेटा, किसको बोलू बात करें, वाटर को बेटू बात करें किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में दीदी बात करें वेपर की फॉर्म में, याद है कि नहीं गुड़िया बात करें, तो वेपर की फॉर्म में, वेपर गुड़िया बात करें क्या होता है, याद है आपको गुड़िया बात करें वेपर क्या होती है, वाटर गुड़िया लिक्विड है क्या है दोस्त, तो ये गुड़िया बात करें क्या होता है, गैसेस फॉर्म होता है, समझ में आ रही, किससे बेटा बात करें, फ्रॉम एरियल पार्ट, किससे बेटा बात करें, फ्रॉम एरियल पार्ट, अब दीदी बात करें ये एरियल पार्ट क्या होती है बेटा बात करें, एरियल पार्ट, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से, अब कोई हमसे पूछे बताओ ये एरियल पार्ट क्या होता है, तो इसमें गुड़िया बात करें क्या आएगा, स्टेम, क्या आएगा बेटू बात करें, स्टेम हो, गुड़िया बात करें लीव्स हो, हाँ कि ना, गुड़िया बात करें फ्रूट हो, समझ पा रहे, गुड़िया बात करें फ्लावर हो, कुछ भी हो बेटू बात करें, स्टेम हो, लीव्स हो, गुड़िया बात करें फ्रूट्स हो, ठीक है ना, या गुड़िया बात करें क्या हो, फ्लावर हो, कोई भी हो,
इसलिए बुरी बात कह रहे हैं, किसी का नाम अपन ने नहीं लिया, अपन सीधा बोला बेटू बात करें, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। आ रहा है नहीं आ रहा, बुरी बात कर रहे हैं, बताओ प्लांट के दीदी बात करें, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है बेटू बात करें? आ रहा नहीं आ रहा, तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट, हाँ कि नहीं गुड़िया, लाइक स्टेम लीफ फ्रूट फ्लावर एटसेट्रा, ठीक है ना, इस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब दीदी बात करिए ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो क्या ये गुड़िया एसेंशियल है, मतलब ये सही दीदी बात, अच्छा ये प्लांट की बुराई है? बुराई है दीदी बात कर, पता है बुराई है, वाटर को बेचारा एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को दीदी बात कर, लॉस किया जा रहा है, अच्छा ही बुराई है? बुराई है, वाटर को दीदी बात कर हम पी रहे हैं, समझ पा रहे, मिनरल वाटर याद है 20 रुपए की बिस्तर खरीद के पीते हैं बस में, अगर कभी गर्मी में जाते हैं, ये गुड़िया बात करें क्यों 20 रुपए खर्च कर दिए, ताकि बॉडी को मेंटेन करें, और बॉडी है कि पसीने के फूल में पानी निकाले जा रही है, ये अच्छा है कि बुराई हमारी सदी की? बुराई है। एक तरफ बोलते गुड़िया बात करें क्या करो, वाटर कंजर्व करो, और एक तरफ पानी को हम क्या करें, बताओ बेटू बात करें, बताओ वाटर के फॉर्म में, मतलब दीदी बात के पेपर के फॉर्म में लॉस किया जा रहा है, तो ये अच्छा है कि बुराई है बॉडी की? बुराई है बिटू बात करें, इट इज एसेंशियल बुराई, आवश्यक बुराई, ये बुराई है दीदी बात करें, पानी को हम खरीद रहे हो पी रहे बुढ़े बात को फिर लॉस कर रहे, ये एक बुराई है, सोच पा रहे बुढ़े बात करें, पानी दीदी ऐसी थोड़ी ना आ गया, 20 रुपए दीदी मजदूरी किए तब हमने कमाए तब बेटा जाकर के समझ पा रहे पानी पिया, हमने सोचा था कि प्लांट बुढ़े हमारे बॉडी में जाएगा, ऐसी प्लांट सोचा था कि बुढ़े बात के सेल के अंदर रहेगा, टर्जिटी बढ़ाएगा, बढ़िया सेल की ग्रोथ बढ़ाएगा, सोच पा रहे हॉर्मोन बढ़िया काम करेंगे, पर ये क्या कर रहे हैं बुढ़े बात के अधिकांश वाटर को लॉस किया जा रहा है, सोच पा रहे तो उसमें, तो ये अच्छा ही कि बुराई है? बुराई है, पर दीदी बात करें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, सोच पा रहे नहीं आ रहा है, अपन को बताया बुढ़े बात कर रहा है मेडिसिन खाते हो तो ये अच्छा ही कि बुराई है? अब कैसे पता चल कि बुराई है, मेडिसिन दीदी पैसों की खरीद रहे तो वो बुराई है, और ये पानी दे रहे तो ये अच्छा ही है, पर बुढ़े बात करें जिंदा रहना है सही रहना समझ पा रहे इसके लिए जरूरी है, समझ पा रहे बोलो, हेल्थी रहना तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो कंडीशन की बात करें बेटा क्या बोला बुढ़े बात करें, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ये क्या है बेटू बात करें, एसेंशियल दीदी बात करें, हाँ कि ना, ट्रांसपिरेशन कैसा दीदी बताओ, एसेंशियल दीदी बात करें, हाँ कि ना, एवल मतलब आवश्यक बुराई है, क्या है बेटू बात करें, आवश्यक बुराई, ये किसने बोला था बुढ़े बताओ, कर्टिस, किसने बोला था, अकॉर्डिंग टू कर्टिस, ये कर्टिस साइंटिस्ट थे बुढ़े बात के जिनने बताया था, इनका स्टेटमेंट दीदी आता है हमेशा, जैसे बुढ़े बात क्या पहले पढ़ा था, कहां पढ़ा था, सेल थ्योरी में, सेल थ्योरी में क्या पढ़ा था बुढ़े, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये किसका स्टेटमेंट था बुढ़े बात के, जी रुडोल्फ ब्रिचो का, याद है बुढ़े बात कर रहे हैं, उसने क्या बोला था बेटू बात कर, जो न्यू सेल है वो कहां से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होती है, ऐसे तो बेटू बात करने बोला कि जो ट्रांसपिरेशन है वो दीदी एसेंशियल है, पर बुढ़े बात एक बुराई है, क्या बेटू बात करें, मतलब जरूरी है दीदी बात, क्योंकि अगर ये मतलब वाटर को वाटर के फॉर्म में लॉस नहीं करोगे तो बुढ़े बात कर प्लांट अपने हर एक पार्ट का टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, सर की डेथ हो जाएगी, एनियम एक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये करना भी है जरूरी, दीदी बात कर, लेकिन है क्या ये बुराई है, क्या बेटा बात कर, बुराई है। अब क्वेश्चन आता है बेटा बात करें, सबसे ज्यादा दीदी बात करें मतलब मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कौन करता है, तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन बुढ़े बात करें कहां होता है, बुढ़े बात करें मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन तो बुढ़े बात के मेसोफाइट प्लांट कौन करते हैं बेटा बात करें, जैसे बुढ़े मेसोफाइट हाइड्रोफाइट जीरोफाइट तीन टाइप के प्लांट होते बेटा, मेसोफाइट गुड़े बात करें वो प्लांट होते हैं जो ना बेटू बात करें ज्यादा ड्राई एरिया में उगते हैं ना ज्यादा गोलू बात करें वाटरी एरिया में उगते हैं, समझ पा रहे, मेसोफाइट मतलब आपके जंगल के जो प्लांट होते हैं सागौन टीक आपका दीदी बबूल ये आम दीदी महुआ, समझ पा रहे, ये जो अपन खेती करते हैं ना दोस्त, ये हमारी क्या है गुड़े बात करें ये मेसोफाइट प्लांट है, सोच पा रहे, अपन गेहूं उगाते तो गोलू बात दो तीन पानी लगाते बस, तो ये सारे के सारे प्लांट कौन से दोस्त, ये है मेसोफाइट प्लांट, समझ पा रहे, और गुड़े बात का जो प्री टाइम चल रहा है जो दिस टाइम मतलब करंट टाइम चल रहा है इसमें गुड़ी बात का जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो दीदी बात के मेसोफाइट ही है, कौन सी गुड़ी बात करें, आपने देखा दुनिया में पूरा घूम लो दीदी, आप समुद्र किनारे चले जाओ बहुत कम प्लांट मिलेंगे बेटे बात के जो पानी में उगे हुए हैं, समझ पा रहे बुढ़े बात के, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए मतलब दिन भर वहां पानी भराई होनी चाहिए जिससे चावल की खेती होती है, तो बुढ़े बात कर उनको बेटा बोलते हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या होते बोलो, जो पॉन्ड लेक बुढ़े बात कर इन जगह मतलब एक्वाटिक बुढ़े बॉडी में उगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्त, उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोफाइट, दूसरे होते बुढ़े बात कर जीरोफाइट, जो बुढ़े बात कर पता ड्राई एरिया में उगते हैं जैसे बुढ़े बात कर रेगिस्तान में, समझ राजस्थान के अंदर देखा बेटू बात कर जैसलमेर में आपकी बुढ़े बात कर आपने देखा होगा कैक्टस टाइप के प्लांट उगते हैं उनको अपन बुढ़े बोलते हैं सकुलेंट जीरोफाइट, क्या बोलते हैं सकुलेंट का मतलब बुढ़े बात कर वो सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं और बुढ़े बात कर उनकी बॉडी में बुढ़े कांटे उगे होते हैं याद है नुकी नुकीले स्पाइन थॉर्न आ रहे नहीं आ रहा है ताकि बुढ़े बात कर उनको कोई खा ना ले, तो जो कांटे उगे बुढ़े बात करें पता है वो लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं किसको दोस्त, और जो बेटू बात करें जो बुढ़े बात करें आपको मोटी मोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर दिखती है वो बेटू स्टेम मॉडिफिकेशन है, क्या बेटू क्योंकि अगर वहां दीदी लीफ रहेंगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा और गर्मी बहुत ज्यादा है तो वाटर को सारा का सारा उड़ा देंगे, नीचे पानी है ही नहीं,
मुश्किल से तुमने एक एक तिनके को दी थी पानी को जोड़ा था, और सोचो बेटू बात करे अब दिन भर मोड़ा दिया उनने तो शाम के समय तो पानी रहेगा नहीं, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उनको दीदी बात करे अपने आप को मेंटेन करना है, वाटर का कंजर्वेशन करना है, तो लीफ को दीदी बात करे क्या कर देते, वो दीदी बात करे कॉन्ट्रैक्ट करके किसान बदल देते बेटू बात के स्पाइन थॉर्न बदल देते ताकि सर्फिस एरिया कम हो जाए, और दूसरा गुरु बात करे वहां कोई उनको खाने आए तो उससे वो क्या हो जाए प्रोडक्शन हो जाए। सोचो कोई गाय भैंस खाने गया, समझ पाए दोस्त, वैसे ही गुड़े बात करे तो जाओगे तो वहां क्या हो जाएगा चुप जाएगा उनको, उनकी सुरक्षा होगी तो गुड़े प्रोटेक्शन का फॉर्म हो गया, और दूसरा बेटू सर्फिस एरिया कम हो गया तो वाटर का लॉस भी क्या हो गया कम हो गया। तीसरी कंडीशन दीदी अगर लीफ नहीं रहेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भैया, क्योंकि प्लांट को फूड भी तो चाहिए। तो फिर दीदी बात के इस टाइम बोला किस काम को हम संभालेंगे, कौन संभालेगा हम संभालेंगे, तो इस टाइम दीदी बात करें कैसे होगा बेटा बात करें, जो ग्रीन हो गया बेटू बात को फ्रेश हो गया, समझ पा रहे हो मतलब दीदी बात करें हमारे इस टाइम कैसे होते हैं बुढ़ी, आपने देखा म्यूजोफाइट महुआ को देखना दीदी बात करें कभी दांत मार के देखना दीदी बात करें दांत बाहर आ जाएंगे पर एक इतना सा तुम लकड़ी नहीं छीन पाओगे, ठीक है देखा होगा आप लोग कई लोगों को तो गन्ने छीनते ही दांत टूट जाते हैं, ठीक है। तो दीदी बात का बताओ महुए की छाल को तुम कैसे निकाल पाओगे, महुए जानती हो ना, बुढ़ी बात आम तो जानती हो, अमरूद तो जानती हो, ठीक है दीदी बात कर इन बारे प्लांटों की बात की तो बताओ बुढ़े बात कर अपन समझ में उनके बाहर तुम्हें देखो कितनी हार्ड होती है, ये तो बाहर कितनी सॉफ्ट है, जो छाल है उसमें एपिडर्मिस है फ्लोएम है इसलिए वो इतनी सॉफ्ट भी है, अगर कोई बाहर की छोल देना वो अंदर बोर्ड पे चले अब काटो जरा तो तुम दीदी इतना दांत भी नहीं बना सकते, जब जाइलम पर जाओगे वो कितना हार्ड होता है क्योंकि जाइलम बिल्कुल डेड होता है, कैसा होता है ये बात की थी अपन ने दोस्त, लेकिन गुड़िया बात क्या सोचो क्यों डेड होता है, क्यों गुड़िया बात उनको टेंशन नहीं है फूड की, क्योंकि फूड कौन बना लीफ बना रही है, हमारे बरगद को देखो उसके नीचे पूरा गांव बस जाएगा, समझ पे इतनी छाया रहती है और इतनी जगह वो कवर कर लेता है। लेकिन गुड़िया बात करें जो सकुलेंट ज़ेरोफाइट होते हैं, गुड़िया बात करें कैक्टस नागफनी ओपनसिया जैसे प्लांट, इनके गुड़िया बात का अपन क्या होता है इनमें लीफ तो बदल जाती है, किसमें लीफ बदल जाती है बेटा बात करें बोलो किसमें जी थॉर्न में मतलब कांटों में, क्यों बेटा बात करें सरफेस एरिया कम हो जाए, वाटर का लॉस कम हो, वाटर कंजर्व हो जाए, और बेटा बात करें अपने एनिमी से ये क्या कर ले प्रोटेक्शन कर ले। दूसरी बेटा बात करें अब भी इनको फूड चाहिए तो इनकी जो लीफ है नी तो स्टेम गुड़े किससे मॉडिफाइड हो जाती है, गुड़िया बात करें सकुलेंट बेटू बात करें ठीक है ना पाइप लाइक प्लांट में पाइप लाइक पार्ट में उनको अपन गोलू क्या नाम देते बेटा बात करें स्टेम, स्टेम क्या संभालते हैं फोटोसिंथेसिस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो गुड़िया बात करें सबसे कम कहां होगा बताओ बेटा फोटोसिंथेसिस जीरो फाइव में होगा, क्योंकि दीदी एक तो पानी नहीं है और ये बेटा उन्होंने प्रोडक्शन क्या कर ली गुड़िया अपनी कर ली है, ऊपर कभी देखना गुरु तो ऊपर से छू करके उनको इतने चिकने मिलेंगे आपको इतने प्यारे समझ में, तो उसमें नाखून गड़ाओगे ना वहां से तुम्हें दीदी बात करें क्या मिलेगा एक रेजिन टाइप सब्सटेंस मिलेगा जेरी जैसा चिपकेगा वो, जैसे हमारी लार होती नहीं होती बेटा बात करें वो उससे भी चिकना होता है एलोवेरा लाइक सब्सटेंस है ना, तो बेटा बात करें यह एलोवेरा जैसा मतलब गुड़िया है क्या उसके अंदर वो कितने सॉफ्ट होते हैं कभी देखा आपने कभी दीदी अगर हाथ गड़ा दो नाखून गड़ा दो बेटा गप जाते हैं उसके अंदर, ठीक है मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं। तो कंडीशन की बात मैं ये कह रहा था बेटू बात करें कि ये प्लांट क्या करते हैं ऊपर गुड़े बात करें क्यूटिकल की काफी थिक लेयर बना लेते हैं, एक तो गुड़े बात करें ऊपर क्यूटिकल की थिक लेयर रहेगी, अब क्यूटिकल क्या होती है बेटा बात करें बैक्स लाइक लेयर जो बेटा बात करें ये अपनी स्किन के ऊपर चढ़ा लेते हैं, ये स्किन दीदी बात करें अगर लीफ है तो लीफ पर और अगर स्टेम है तो स्टेम पर दीदी बात करें ताकि वाटर का लॉस क्या हो बेटू बात करें ट्रांसमिशन की, क्योंकि अगर ऊपर बैक्स की लेयर लगा दी तो पानी क्या निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, तो वाटर का बताओ हमारे पास कंजर्वेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्त। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या हो जाती है ये बुढ़े बात करें क्या ये मॉडिफिकेशन होती है क्या के लिए बेटू बात करें फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है तो आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आया, ये सिंसियर बुराई होती है क्या होती है अच्छा ही नहीं है बुराई है बल्कि आवश्यक है, समझ पा रहे अब कोई पूछे बेटा बताओ हमारे पास ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम कहाँ होता है मैक्सिमम का तो बेटू बात करें कोई पूछे ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम और मिनिमम यही लिखते हैं क्या बेटा कोई पूछे बताओ मैक्सिमम कहाँ होता है कोई पूछे बताओ बेटा बात की मिनिमम कहाँ होता है तो कहाँ होता है मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ होता है बोलो बात करें जी इन मेसोफाइट प्लांट, और बताओ बेटा बात करें दुनिया की सबसे डोमिनेंट प्लांट कौन से हमारे मेसोफाइट कौन से दीदी बात करें मेसोफाइट कौन से होते बेटा ना ज्यादा गुड़िया को इसमें हो गए बेटा बात करें पानी बॉडी में मतलब एक्वाटिक बॉडी में और ना ही बेटा बात करें ड्राई एरिया में हो गए उनको मन बोलते मेसोफाइट, जो ड्राई एरिया में हो गए पत्थरों पे चट्टानों पे रेगिस्तान उनको मन क्या बोलेंगे उनको बोलते ज़ेरोफाइट सुस्पोधित, समझ पा रहे क्या बोलते हैं सुस्पोधित समझ पा, और जो गुड़िया बात करें क्या होते हैं पानी में उनको क्या बोलते हैं बात करें जलोढ़ क्या बोलते हैं, और जो गुड़िया बात करें कहा होते बेटू बात करें ठीक ठीक पानी और ठीक ठीक गुड़िया ड्राइनेस उसको मन क्या बोलते हैं बात करें मेसोफाइट, समझ पा रहे अरे यार नहीं आ रहा, तो ये गुड़िया बात हमारे पास आ जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगी बताओ बेटू बात करें मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन की जो रेट होगी ट्रांसपायरेशन का अमाउंट होगा वो मिलेगा बेटा बात करें कहाँ पे बोलो मेसोफाइट में, कहाँ मिलेगा बेटू बात करें मेसोफाइट प्लांट एग्जैक्ट ठीक है, और दूसरा गुड़िया बताओ मिनिमम कहाँ मिलेगा ये मिलेगा बेटू बात करें सकुलेंट, क्या मिलेगा बताओ सकुलेंट बेटू बात करें क्या जीरो फाइट, कहाँ मिलेगा बेटू बात करें सकुलेंट जीरो फाइट प्लांट, याद रहेगा नहीं रहेगा सकुलेंट जीरो फाइट प्लांट के अंदर, ठीक है ये कंडीशन क्या गुड़िया बात करें। अब आता है कि ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपायरेशन आपने बोला कि पानी का लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है दीदी बात करें, तो ये जो पानी का लॉस हो रहा है दीदी प्योर वाटर होता है किसमें कुछ मिनरल्स
ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ये केवल प्योर वाटर होता है। क्या होता है बेटा बात कर, तो जो लॉस हो रहा है ट्रांसपायरेशन के द्वारा वो कैसा होता है बेटा बात कर, प्योर वाटर। समझ में आ रहा है? मतलब दीदी एक अच्छा ही चलो हमें मिली इसके साथ, वाटर का लॉस हो रहा है ठीक है कर दो, लेकिन बुढ़े बात की कम से कम मिनरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का लॉस तो नहीं कर रहे। लेकिन आपने वही देखा बुढ़े बात कर, जब कहाँ जाते बेटा बात कर, सुबह सुबह गार्डन में कभी घूमने गए, या अपन दीदी सब गाँव के यार तो अपन खेत पे जाते दोस्त याद है, तो अपन देखो बेटा बात कर घास के ऊपर के मोती की तरह चमकते हैं याद है, कभी ठंडे ठंडे उनके ऊपर पैर रख देना तो पैर इतने प्यारे ठंडे हो जाते, समझ पा रहे कि दोबारा दूसरी जगह तो पैर रख नहीं सकते, ऐसा भूल जाते हैं अपन की पैर है भी हमारे, इतने ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब पूरी बात करें जो वो आया, समझ पा रहे, वो पानी कहाँ से आ रहा है बूंद के रूप में, वो नीचे से आ रहा था रूट प्रेशर के द्वारा बेटा, ठीक है। वो छोटे छोटे हर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हर प्लांट में, जो छोटे छोटे उनको अपन क्या बोलते हैं हर, जैसे बड़े बड़े प्लांट को अपन बोलते हैं ट्री, ट्री बेटा बात कर, सागौन दीदी बात कर, जैसे बड़े प्लांट है इनको अपन बोलते हैं ट्री, उनसे बड़ी जो झाड़ी झाड़ियां होती है उनको अपन बोलते हैं बेटू बात करके श्रब, और जो छोटी छोटी और भी हल्की हल्की होती है उनको अपन बोलते हैं हर्ब। क्या बोलते हैं? तो हर्ब श्रब ट्री में बांटा है बेटू बात कर अपने, किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है, बुढ़े बात कर प्लांट को। तो ये पूरे कंडीशन है, मतलब उसमें अगर देखो बुढ़े बात के जो पानी होता है उसमें वाटर भी रहता है और मिनरल्स भी रहता है, वो रहता है बुढ़े बात का इम्प्योर वाटर, मतलब उसमें वाटर के साथ मिनरल्स का भी लॉस कर देता है, ये दीदी दुखदाई है, समझ में आ रहा है। लेकिन कम से कम दीदी यहाँ क्या निकलता है बेटा बात करें, ओनली प्योर वाटर, मतलब बुढ़े बात करें प्योर वाटर का क्या होता है लॉस होता है, किसके द्वारा, वाइट ट्रांसपायरेशन के द्वारा, ठीक है, ये कंडीशन है बुढ़िया, ठीक है। आगे आता बेटा बात की ट्रांसपायरेशन प्लांट के एरियल पार्ट किसके द्वारा करते हैं, तो करते गुड़िया स्टोमेटा के द्वारा। अगर अपन बात करें गुड़िया, ये हमारे पास लीफ है, क्या बेटा, ये दीदी बात करें लीफ है, ठीक है, ये हमारे पास मिडवेन होती कि नहीं होती है, क्या होती बताओ बेटू बात करें, ये होती है मिडवेन, और मिडवेन की बगल से दीदी बात करें क्या निकली होती बताओ बेटू बात करें, छोटी छोटी स्मॉल वेन, हाँ कि ना, जिनको अपन बोल सकते हैं वेन लेट, क्या बोल सकते गुड़िया बताओ, तो ये लीफ है, लीफ में गुड़िया बताओ सेल होती कि नहीं हर जगह, मतलब ये क्या छोटे छोटे से पोर होते हैं, इन छोटे छोटे पोर को अपन गुड़िया बोलते हैं स्टोमेटा, क्या बोलते हैं गुड़िया, स्टोमेटा, इनके द्वारा ही बेटा बात करें गुरु क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है दीदी, लॉस होता है, और इन्हीं के द्वारा गुड़िया बात करें पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा O2 निकालता है, और इन्हीं से गुड़िया बात करें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एनवायरनमेंट रिलीज करता है, जो आप CO2 निकालते हो उसको दीदी प्लांट किनके द्वारा यूज कर लेता है, किनके द्वारा अपटेक करता है, वह स्टोमेटा, जो स्मॉल पोर स्पोर लाइक गुड़िया स्ट्रक्चर होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा गुड़िया इस तरीके से जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते बेटा बात कर आपके दीदी बात करें प्लांट की ये लीफ है, तो आउट ऑफ शेल क्या होती है एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस की गुड़िया बात करें कवरिंग के द्वारा ये बनते हैं। पोर दीदी क्या है, दो सेल के बीच का वेकेंट स्पेस है, पोर कोई अलग चीज नहीं है, पोर किसी चीज बनाए नहीं जाते, दो सेल जब गुड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं उनके बीच वेकेंट स्पेस आ जाएगा, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, पोर, जैसे आप लोग सट के बैठे हो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाओगे तो बीच में जगह आएगी, ये दीदी पोर है, मतलब क्या है ये पोर, क्या बेटा बात करें ये मीडियम है गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो O2 बनती है ऑक्सीजन के रिलीज का, बेटू बात करें वाटर का वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस का, और गुड़िया बात करें CO2 के एब्जॉर्प्शन का, आ रहा क्लियर, इनको अपन क्या बोलते दोस्त, इनको बोलते गुड़िया बात करें स्टोमेटा, स्टोमेटा प्लांट की गुड़िया लीफ की दोनों सर्फेस पाया जाता है, अपर सर्फेस पानी का लॉस कम हो, क्योंकि अधिकांश लाइट यही तो करने वाली है, तो मतलब वाटर के लॉस को बचाना है कि करना है, अरे बचाना है क्या नहीं करना है बताओ, ऐसे काम कर रही है, ठीक है। तो बताओ बेटी बात करें हमारे पास हो क्या रहा है, ये दीदी बात कर बेंड और डॉट सर्फेस पे क्या होंगे, कम होंगे, बेंटर पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन अगर ये दीदी कैसी आइसोवायलेट अगर सरी की स्लिप खड़ी है तो उसमें तो लाइट दीदी बराबर गिरेगी, था कि ना दोनों सर्फेस पर, क्योंकि ये थोड़ी ना है, तो ये कहां मिलेगी बेटा, मोनोकॉट में कहां मिलेगी, जैसे ग्रास को देखा होगा, सुगर कैन को देखा होगा बेटा, देखा कि नहीं देखा गुरु बात करें, गेहूं को देखा होगा बेटा बात करें, ये कंडीशन दीदी आ जाती है। तो अगर अपन बात करें बेटा प्योर वाटर का लॉस होता है, दूसरा दीदी किसके द्वारा होता है बेटा बात करें बताओ, हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपायरेशन दीदी बात कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन थ्रू किसके द्वारा होगा बताओ बेटू बात करें, थ्रू बुढ़िया बात करें स्टोमेटा, मेनली किसके द्वारा होगा बताओ बेटू बात करें, स्टोमेटा, मेनली स्टोमेटा के द्वारा होता है, मेनली किसके द्वारा होगा बेटा बात करें, वह स्टोमेटा, स्टोमेटा दीदी कितना करता है बुढ़िया बात करें, अगर आपसे बोले 80 से लेकर 90% मैंने अपन दीदी मान लेते हैं कि 90% तक कितना होता बेटा बात करें, 90% मतलब 82 बुढ़िया बात करें 90%, मतलब ये सोचो बुढ़िया बात करें कि 90% ही करता है, मतलब जो टोटल बुढ़िया बात करें ट्रांसपायरेशन होता है, टोटल वाटर का लॉस होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब स्टोमेटा बुढ़िया आप बोलोगे कहां मिलेगा, मेनली तो लीफ में मिलता है, कहां मिलेगा बुढ़िया बात करें बताओ, लीफ में, हाँ कि ना, और लीफ की दोनों सर्फेस मिलेगा, हो सकते हैं बुढ़िया बात करें एक सर्फेस कम हो एक पर ज्यादा हो, या दोनों सर्फेस बराबर हो सकता है, समझ में आ रहा है।
दूसरी कंडीशन की बात करें बेटू, अगर ये 90% करता है तो बुढ़े बात करें रिमेनिंग जो 10% है वो दो तरीके से होता है। सेकंड की बात करें बेटा बात करें तो बोल सकते भाई क्यूटिकल, किसके द्वारा होता है वो तो बेटा बात करें क्यूटिकल, तो उनको अपन बोलते हैं क्यूटिकुलर। क्या बोलते बेटा बात करें तो क्यूटिकुलर बेटा ट्रांसपरेशन, तो बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल के द्वारा होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर। क्या बोलते बेटा बात करें क्यूटिकल, सीधे समझ जाओगे बाय क्यूटिकल लिख रही है तो समझ रहे बेटा बाय क्यूटिकल, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन मतलब ट्रांसपरेशन। ये बताओ कितना होता है टोटल का 9%, टोटल बेटा जितना वाटर लॉस होता है दीदी उसका 9%। अब बताओ 90 ये कर रहा है 9 ये कर रहा है तो फिर एक ये करेगा, समझ में आ रहा है? अब एक जो बचा होगा दीदी बात करें वो कौन करेगा, वो करेगा बेटा लेंटिकल, कौन करेगा वो ये लेंटिस सेल बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाय दीदी बताओ लेंटिस सेल क्या होता है बताओ पूरी बात करें। ये भी छोटे छोटे माइक्रो पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर लीफ पे दीदी पोर है तो उसको अपन बोलेंगे स्टोमेटा, और अगर बेटा ये बूढ़ी स्टेम पर है, किस पर है स्टेम पर है फ्रूट पर है तो बुढ़े इनको अपन बोलते हैं लेंटिस सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा लेंटिस सेल, समझ पा रहे तो बुढ़े लेंटिकुलर, क्या बोल सकते हैं इसको लेंटिक्यूलर, ठीक है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन दीदी बताओ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है बेटी बात करें 1%, जबकि नियरली अमाउंट लिखें तो 0.12 गुडे बात करें 1% होता है। मतलब हम बात करें बेटा कि जो हमारे पास तीन टाइप से गुडे ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का, ए बाय स्टोमेटा 90%, क्यूटिकल 9% और बेटा बात करें लेंटिकल नियरली 1%, आ रहा है आ रहा है। तो दीदी इस तरीके से तीन गुडे बात करें आपके पास क्या है सोर्स है जो वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करते गुड़िया लॉस करते। आपसे क्या बोला था बेटा बात करें नियरली जितना वाटर दीदी आप एब्जॉर्ब करेगा प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका 98 से 99% वाटर लॉस होता है, और बेटी बात करें केवल 1 से 2% वाटर क्या होता है यूज होता है। तो अपन क्या लिखते बेटी बात करें ओनली, हाँ की ना बेटू ओनली 1 to 2%, हाँ की ना वाटर ओनली 1 to 2% वाटर, ठीक है बुढ़ी बात करें यूज्ड, ठीक है, जबकि रिमेनिंग वेल रिमेनिंग रिमेनिंग बुढ़े बताओ क्या लिखे रिमेनिंग 90 बेटा, अगर ये बुढ़े 2 है तो 98 बोलेंगे, और अगर ये 1 है बेटा तो कितना बोलेंगे 99 बोलेंगे, तो रिमेनिंग 98 to 99% वाटर, हाँ कि ना लॉस्ट बाय, ठीक है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के लिए बात एसेंशियल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, आएगा नहीं आ जाएगा, और टेम्परेचर बताओ ट्रांसपिरेशन के लिए बात करें क्यों एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, सबसे बड़ी बुरी जरूरत आपकी क्या बेटा बात करें टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो ये बुरी बात कर आपको याद रखना, रख पाओगे रख पाओगे। अब बुरे अपन देखते हैं स्टोमेटा, क्या देखना बेटा बात कर रहे हैं स्टोमेटा, तो बुरे स्टोमेटा का फिगर बना इसके लिए नोट कर लो, फिर मैं आपको स्टोमेटा बनाता हूँ, ठीक है बेटा बात का फिगर क्या है छोमेटा दीदी बात करें वो सारी लाइन की लाइन लिखी है इसमें, देखा अपनी एनसीटी जो भी तक हम पढ़ रहे बेटा बात कर, ठीक है चलो करें अपन इसके बारे में। तो अगर मैं वीडियो बात करें फिगर देखते हैं इसके बारे में, स्टोमेटा का फिगर बात करें होता कैसा, स्टोमेटल एपरेटस किसका बना होता है, ठीक है तो बुरी बात करें इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले बुरी बात करें आप देखो रियल में जो पोर होता है स्टोमेटल जिसको अपन पोर बोलते हैं, वो तो बुरे दो गार्ड सेल की समझ पा रहे बीच में जब भी बुरी बात करें गैप क्रिएट होता है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं बुरे स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अगर अपन देखें इस तरीके से तो ऐसी गुड़िया बात करें कंडीशन आएगी, दिखा आपको ठीक है ऐसी गुड़िया बात करें यहां से, अगर अपन बात करें गुड़िया ये वाली कंडीशन को देखो इसको, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल, क्या बोलते दोस्त ये गार्ड सेल बेटू, ठीक है दोस्त देख रहे हो लोग ये तो बेटा बात करें गार्ड सेल है, वीडियो बात करें रियल में है ये गार्ड सेल, ठीक है ये गार्ड सेल देखो इसको
देख रहे हैं आपको ये गुड़िया बताओ क्या है बेटा, ये गार्ड सेल है ठीक है। इसमें अगर अपनी देवी गुड़िया बात करें तो गार्ड सेल देख रहे हैं आपको, ये एक गार्ड सेल है, ये वाली देख रहे हैं आपको, ये गुरु एक गार्ड सेल बेटा, ये एक गार्ड सेल है ठीक है। और ये गुड़िया बात करें कौन सी बेटा गार्ड सेल है, ये दिख रही है आपको, ये गुड़िया बात करें दूसरी गार्ड सेल है। और दो गार्ड सेल के बीच की बेटी बात करें स्पेस को अपन क्या नाम देते हैं गुड़िया, पोर, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पोर, क्या बोलते हैं गुड़िया, इंस्ट्रूमेंटल पोर। हाँ जी ना, खोलो गुड़िया बात करें लोगों, इंस्ट्रूमेंटल पोर है ये, क्या दीदी बताओ, इंस्ट्रूमेंटल पोर। ये गुड़िया बात करें कंडीशन आती है, हाँ कि ना, अगर अपन देखें गुड़िया बात करें दो हमारे पास गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल की बेटी जो आउटर बॉल होती है वो कैसी होती है, गुड़िया थिन होती है, कैसे होती है, और जो इनर बॉल होती है वो कैसे होती है, वो थिक होती है। आउटर बॉल कैसे होती है, और इनर बॉल कैसे होती है, थिक होती है, समझ पा रहे हैं, आउटर बॉल थिन होती है गुड़िया की, इनर बॉल थिन होती है, आउटर बॉल थिन होती है और बाहर अंदर वाली बॉल कैसे होती है, थिक होती है। मतलब ये वाली अगर आप देखो बेटे उस तरीके से, तो इसके ऊपर दीदी बताओ क्या डिपोजिशन होता है बेटा, बात करें सेलुलोज हेमी सेलुलोज, आ रहा है आ रहा है, जो इनर बॉल है बेटा बोलो ये कैसे होती है, ये थिक होती है, क्या होती है, थिक। अब ये थिक क्यों होती जाती है बोलो बात करें, ये इसलिए थिक होती है बेटा बात करें क्योंकि इसके ऊपर क्या डिपोजिट होता जाता है, समझ पा रहे, एग्जैक्ट सेलुलोज हेमी सेलुलोज जैसे बेटा सब्सटेंस के ऊपर बोलो क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, और ये गुड़िया बात करें क्या हो जाती है, काफी थिक हो जाती है, समझ पा रहे, देखने में आपको गुरु कैसे दिख रही होगी बेटा, काफी थिक दिख रही होगी ठीक है। अभी दिखी नहीं दिखी बेटा, दिख रही है इसके अंदर भी थिक है। और दीदी बात करें ऐसे ही इस सेल की भी इनर बॉल कैसी होती है दोस्त, ये गुरु काफी थिक होती है, कैसी होती है गुरु बात करें, काफी थिक होती है गुड़िया, अगर इसको अपन देखें तो ये काफी थिक होती है। मतलब जो गुड़िया बात करें आउटर मेंबर है, आउटर मेंबर बात करें थिन होती है, इलास्टिक होती है, और जो इनर मेंबर होती है बेटा बात करिए कैसे होती है गुड़िया बात, इलास्टिक तो होती है, पर दीदी बात करें क्या होती है, थिक होती है। क्वेश्चन पूछता है थिक ड्यू टू, ये बात करें किसके वजह से, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बेटा बात करें सेलुलोज हेमी सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, आ रहा है नहीं आ रहा, ये किसकी बेटा बात करें कंडीशन है। तो ये देख रहे आपको ये गुड़िया बात करें थिक होती है ठीक, ये हमारे पास क्या है इंस्ट्रूमेंटल पोर, जो दो गार्ड सेल की गुड़िया बात करें किससे बना है, गुड़िया बात करें समझ पा रहे क्लोजिंग से बना है, जब ये क्लोज होती है गुड़िया बात करें कि ओपन होती है, इन दोनों को आपस में जुड़ी हुई दो सेल है ठीक है। गुड़िया बात करें जब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है, ये कैसे गुड़िया बात करें ओपन होती है, कैसे ये पोर बनता है, ये बनता है गुड़िया बात करें टेरिजिटरी में चेंज होने से, जब दो गार्ड सेल की टेरिजिटरी में चेंज होता है तभी बेटा बात करिए क्या होती है, खुलती है। अगर गुड़िया बात करें सेल लूज है, कैसे है बेटा बात करें लूज है, तो गुड़िया बात करिए आपस में चिपक जाएंगे, लूज हमेशा ही दूसरे चिपकी होती है, लेकिन जब ये बेटा फूलती है क्या होती है गुरु, फूलती है मतलब इनके अंदर क्या होता है गुड़िया पर टाइगर प्रेशर बढ़ता है, जब ये सेल टर्जिड होती है क्या होती है, टर्जिड होती है, तो बेटा बात करिए इंस्ट्रूमेंटल जो पोर है वो दीदी बात करें क्रिएट हो जाता है, तो पोर हमेशा नहीं रहता है। अगर आपकी ये सेल कैसी है, फूली हुई है, टर्जेड है, तभी गुड़िया बात कर पूरा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपकी सेल कैसी है बेटा बात कर फ्लैशेड है दीदी बात कर सिकड़ी हुई है, तो इंस्ट्रूमेंटल पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल की सेल जो मेंबर है इनर मेंबर की आपस में क्या हो जाएगी, चिपक जाएंगी। इसकी कंडीशन की बात करें तो आपने क्या बोला बेटा बात करें, लीफ जो है लीफ की आउटर सरफेस पे बेटा बात करें दो गार्ड सेल के बीच में जब दीदी पोर बनता है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पोर। इंस्ट्रूमेंटल पोर तब बनता है जब दोनों सेल के अंदर वाटर का दीदी बात करें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वाटर की कमी होती है, तो सेल कैसी होती है उस समय, फ्लैशेड होती है, फ्लैश मतलब दीदी बात करें कैसी होती है गुड़िया बात करें, सॉफ्ट होती है, समझ पा रहे, तो ये पोर गुड़िया बात करें तो ये पोर नहीं रहेगा, लेकिन अगर इनमें पानी आ जाए गुड़िया बात करें ये फूल जाएंगी, फूलने के बाद बेटा बात करें समझ पा रहे, जो बाहर की मेम्ब्रेन ये पतली होती है, पतली होती है, तो गुड़िया वाटर अंदर आएगा तो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा मेम्ब्रेन पर, इस पर लगाएगा दीदी इस पर भी लगाएगा, लेकिन ये मोटी मेम्ब्रेन होती है तो इसको वाटर का इफेक्ट कम पड़ता है, इन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये दीदी बाहर जाती है, बाहर जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है गुड़िया की जो हमारे आउटर मेंबरन होती है मेंबरन से अटैच होती है, किसके द्वारा गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास जी, इनको अपने क्या बोला था गुड़िया किसके द्वारा जुड़ी होती है, याद है रेडियल माइसिलेशन के द्वारा, तो रेडियल माइसिलेशन के द्वारा बेटू बात करें क्या होता है कि जो आउटर मेंबर होती है इनर मेंबर को पकड़े रहती है, जैसे यदि आउटर मेंबर बाहर जाती है तो वो इनर मेंबर को भी कहां खींच लेती है, बाहर, तो इस मेंबर को ये बाहर खींच लेगी और ये वाली मेंबर बेटा बात करें इसको खींच लेगी बाहर, तो अल्टीमेटली यहां बीच में क्या हो जाता है पोर क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, क्या बोलते हो स्टोमेटल पोर, हां कि ना, याद आ रहा बोलो कि नहीं आ रहा, इसको बेटा चालू करने बोलो ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पोर बोलते हैं। अगर इनके बाहर देखो गुड़िया बात करें आप, तो यहाँ पे आपको सेल दिखेंगे, क्या दिखेंगे बेटू बात करें सेल, इनके बाहर भी दीदी एक टाइप की सेल होती है, इन सेल को अपन नाम देते बेटा बात करें क्या, इनको अपन बोलते हैं गुड़िया बात करें सब्सिडरी सेल या बोलते हैं एक्सेसरी सेल, क्या बोलते हैं गुड़िया सब्सिडरी सेल, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल पोर बनने में इनका हेल्प है,
समझ पाए, इनका ही काम है। लेकिन इनकी गुड़ी बात करें प्रोटेक्शन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके साथ बेटा बात करें आयन के एक्सचेंज के लिए क्या पाई जाती है, एक दूसरे टाइप की एपिडर्मल सेल होती है जिनको हम क्या नाम देते दोस्त, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? तो इन कंडीशन में यदि बात करें, हमारे पास अपन दूसरे टाइप की सब्सिडरी सेल बनाते हैं, ठीक है। ये गुड़े बात करें तो इस तरीके से दिखेंगे, अरे देखिए देखिए गुड़े बात करें, देखिए देखिए बेटा बात करें, देखिए क्यों देखिए, ये गुड़े बात करें सेल। इन सेलों को अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात के बताओ, इनको अपन गुड़े बोलते हैं हमारे पास क्या, सब्सिडरी सेल। क्या बोलते हैं गुड़े बताओ, सब्सिडरी सेल। हाँ, क्या कोई प्रॉपर शेप नहीं है गुड़े बात करें, ना ही आपको शेप बनाना है, जैसा आपका दिल करे वैसा इनको बना लो। गुड़े बात करें दोनों की दोनों सेल है कैसी बेटू बात करें, इपीडर्मल सेल है। क्या बेटू बात करें, क्योंकि इपीडर्मस में ही पाया जाता है ये। सबसे बड़ी बात दीदी यही आता है कि बताओ ये कौन सी सेल होती है, इपीडर्मस सेल होती है। इपीडर्मस सेल का काम क्या है बेटू बात करें, पहले पढ़ चुके अपन, जैसे हमारी बॉडी में स्किन का काम प्रोटेक्शन होता है बेटू, वैसे ही गुड़े बताओ हमारे पास इन प्लांट के हाकी ना सेल का काम क्या होता है बेटू बताओ, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। और साथ में गुड़े ये गार्ड सेल के साथ क्या करती है, सब्सटेंस का एक्शन करती है, जो कि गुड़े बात करें क्या करेगी, हेल्प करेंगी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। किसे बताओ हेल्प करेंगी दोस्त, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है बेटू बात करें। ये कंडीशन दी जाती है, क्लोजिंग कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, ये बात अपन अभी करते हैं। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात करें क्या है बेटा, ये हमारे पास बाहर की सेल, जिनको अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल, एक्सेसरी सेल, ठीक है। इनको अपने क्या नाम दिया गुड़े, गार्ड सेल। क्या बोला, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है बेटा बात करें, सेल वैक्यूल। प्लांट की गुड़े बात करें सेल का बोला था 90% तक पार्ट कौन कवर करता है, सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोरेज, और बेटा बात करें वाटर एंड साथ ही गुड़े बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये बात की थी अपने, ठीक है। तो गुड़े अगर अपने यहाँ पे देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुड़े बात कर ले जाएगा आराम से, ठीक है, इस तरीके से। टोटल सेल का गुड़े ये कितना परसेंट पार्ट कवर करती है बेटा, नियरली 90%। कितना पार्ट कवर करती है बोलू, 90% पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, सेल वैक्यूल। क्या बोलते दोस्त, सेल वैक्यूल। इसके अलावा भी गुड़िया, सेल वैक्यूल के अलावा, क्योंकि सेल के अंदर सेल वैक्यूल होगा तो वो वाटर और गुड़िया बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करेंगी, स्टोर करेंगी, ठीक है। तो ये गुड़िया सेल वैक्यूल। इसके अलावा भी गुड़िया इनमें कुछ स्पेशल टाइप के बताए क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते गुड़िया बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बेटू बात करें, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये गुड़िया बात करें, पर गुड़िया पता है सबसे प्रॉब्लम ये है गुड़िया बात करें कि प्लांट में जहां भी क्लोरोप्लास्ट होता है वहां वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन सब्सिडरी सेल का गुड़िया बात करें क्लोरोप्लास्ट बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि गुड़िया बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर गुड़िया बात करें यहां पर देखा जाए तो यहां पर रूबिस एंजाइम की एब्सेंट होती है। क्या होती है, इन सेल्स में गुड़िया रूबिस को नहीं होता, इसलिए गुड़िया बात करें क्लोरोप्लास्ट भी काम नहीं कर पाता है। आए तो उसमें, क्योंकि गुड़िया आपको पता होता है रूबिस को ही है, चाहे गुड़िया बात करें वो C4 प्लांट हो चाहे बेटा वो C3 प्लांट हो, CO2 का फिक्सेशन फाइनल कौन करेगा, रूबिस को। यार दोस्त नहीं यार, कार्बोक्सिलेशन कौन करता है, रूबिस को। तो ड्यू टू बेटू बात करें एब्सेंस ऑफ रूबिस को, यहां गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो गार्ड सेल गुड़िया बात करें फूड के लिए डिपेंड रहती है किसके ऊपर, दूसरी सेल के ऊपर। समझ में आ रहा है यार, और ये वाली बेटा बात करें सेल की क्या करती है, हेल्प करती है। तो गुड़िया इनको याद रखना बेटा कि क्लोरोप्लास्ट तो है, चाहे गुड़िया बताओ क्लोरोप्लास्ट तो है, पर गुड़िया बात करें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूबिस को ये क्लोरोप्लास्ट की बात करें फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। साथ में गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम। क्या होता है बताओ गुड़िया बात करें, साथ में गुड़िया बात करें ग्लाइऑक्सीसोम जैसे स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएंगे बताओ बेटू बात करें, ग्लाइऑक्सीसोम जैसे स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे बेटू बात करें। पारोक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने बोलो, क्या कर रहे थे दीदी बताओ ये, जी बिल्कुल स्टोरेज ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम का फंक्शन पता है ना, क्या था बताओ दीदी बात करें, क्या था, अरे ग्लाइक्सिन का काम क्या है गुड़िया, दीदी इंक्लूजन बॉडी पड़ी थी, कौन कौन सी थी, सही कह रही है, सुनो उसकी बात है ना दीदी बात करे, लिखवा चुके पहले फिर भी तुम याद नहीं करते हो, ठीक है चलो तुम मुझे बात करें। हाँ तुम्हें याद है दोस्त, देखो जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे ही नीचे देखने लगते हैं कि नहीं, एक बार और बोल दीदी, बोल दो दीदी बात करें, चलो बुढ़िया बात करें। यहाँ पे अगर अपन आते बेटा बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास सेल वैक्यूल हो गया, ये ग्लाइसोसोम हो गया दीदी बात करें, हमारे पास ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है बेटू बात करें, ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे बताओ बेटू बात करें, कहाँ मिल जाएंगे,
जी बुढ़े बात करे, आपकी दीदी बात करे किसमें, गाइड सेल में। अब इन गाइड सेल को देखो बुढ़े बात करे कैसा दिख रहा है, देख रहे आपको बीज के आकार का कैसे बीज दिख रहे हैं, सेम के बीज, वो फली आती कि नहीं आती, सेम आती है, याद है वो गुरु बात की किडनी सेम। तो बेटा बात कर ऐसी हमारी गुरु किडनी होती है, याद है अंदर की तरफ बेटा बात की झुकी होती है, ठीक है। ये कंडीशन की बात करें कैलेक्स वाले एरिया याद है गुड़िया, मैंने कैलेक्स मेजर कैलेक्स से बाहर निकलती है, रीनल पेल्विस वाले एरिया, तो पेल्विस वाले एरिया पे थोड़ा सा खांच रहता कि नहीं आता किडनी में, अरे रहता है कि नहीं आता बेटी बात करें, वो वाली कंडीशन। तो मतलब कोई डाइकोट, ये मैं किसका बना रहा हूँ बेटा, ये डाइकोट का बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ बोलो, डाइकोट प्लांट की दीदी बात करें, क्या इस्टू बेटा है ये। अगर मोनोकोट का होता बेटी बात करें तो ये कैसे दिखती है आपको, डंबस से कैसा दिखती गुड़िया बात करें। अगर आप मोनोकोट की गुड़िया बात करें, किसको देखो गार्ड सेल को देखो दोस्त, तो इस तरीके से गुरु बात करें आपको कैसा दिख जाएगा, ये डंबस से दिख जाएंगे, कैसे दिख जाएंगे गुरु बात करें डंबस से, अरे दिख रहा है, दिख रहा है सुबह से दीदी बात करो, बढ़ा दो देखा आपको, ये देखा गुरु की दिखा। तो बेटा डंबल सेफ होती है, अगर आप इनको देखो तो ये गार्ड सेल है, क्या दोस्त ये गार्ड सेल होती है, गुरु बात करें ये क्या होती है दोस्त बताओ, ये होती है गार्ड सेल। और कैसे दिखनी है आपको, जैसे डंबल गुरु बात करें होते, अरे होते नहीं होते, ये क्वेश्चन दीदी अभी आया था कि नहीं आया था, ये क्वेश्चन 2018 का है, ठीक है। छोटा बेटा बात करें मोनोकोट का, गुड़िया बात करें हमारे पास कैसा होता है, जो गार्ड सेल होती है वो कैसे होती है गार्ड सेल, दीदी बात करें डबल सेफ होती है। और अगर डाइकोट की बात करें तो कैसे होती है बेटा बात करें, तो किडनी के सेफ, दीदी बात करें बीम सेफ होती है, ठीक है। अब बात करें बेटू यहाँ जरा देखो, आप सबका सेल वेक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ग्लाइकोसोम हो गया, बेटी बात करें अब आता बेटी यहाँ पे रेडियल माइसोलेशन, क्या है रेडियल माइसोलेशन, रेडियल माइसोलेशन क्या करता है गुड़िया बात करें, ये दीदी बात करें रेडियल माइसोलेशन इनर बॉल को आउटर बॉल से दीदी बात कर अटैच करता है, किसको किससे अटैच करता है बेटू, इनर बॉल को आउटर बॉल से क्या करता है अटैच करता है, इन्हीं के द्वारा गुड़िया बात करें जब पानी आएगा तो पानी किसके ऊपर प्रेशर लगाएगा गुड़िया बात करें बताओ, तो ये सेल टर्जेड होगी, तो आउटर बॉल पे प्रेशर लगाएगा दी तो आउटर सेल बाहर जाएगी, तो इनर सेल को भी खींच के बाहर ले जाती है। आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा दोस्त, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गुड़िया बात कर आपको देख ले लिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अधिकांशतः इनको अपन क्या नाम देते हैं बेटू बात कर बताओ, इनको अपन बोले बोलते हैं रेडियल माइसोलेशन, क्या बोलते हैं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं दोस्त उनको, रेडियल माइसोलेशन। रेडियल माइसोलेशन का काम क्या है बताओ राजेश, बताओ श्यामा, गार्ड सेल की बेटा बात कर रहे हैं, हाँ कि ना गार्ड सेल की, गार्ड सेल की दीदी बात करें दोनों बेटा बात कर रहे हैं लेयर का अटैचमेंट है ये, किसका अटैचमेंट बेटा बात करें आउटर बॉल, और बेटा बात करें इनर बॉल के बीच का बेटा बात करें साइटोप्लाज्मिक का, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे देखा आपने ये आउटर बॉल और ये इनर बॉल के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है, अटैचमेंट की बात करें फाइबर है। अब अगर गोलू बात करें हमने देखा ये गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल और बेटा बात करें सब्सिडियरी सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी होगा गोलू, तो इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को अपन नाम देते हैं यहाँ पे क्या प्लाज्मोडेस्माटा, क्या बोलते हैं गोलू इनको बेटा अपन नाम देते हैं बात करें प्लाज्मोडेस्माटा, जो गुड़िया बात करें क्या करते हैं कवर करते हैं, जो गुड़िया बात करें क्या करते हैं जोड़ते हैं, किसको किससे जोड़ते हैं बताओ बेटू बात करें, एग्जैक्ट गुड़िया बात करें अंदर वाली बॉल को बाहर वाली बॉल से, अरे हाँ की ना, देख रहे गुड़िया देखा जाए गुड़िया बात कर, तो यहाँ देखना आप ये इसकी कौन सी बॉल है, देख रहे आपको गार्ड सेल की बाहर वाली बॉल, और दीदी यही बॉल दीदी बताओ इसकी क्या है अंदर वाली बॉल, इसकी ना गुड़िया अटैच होगी नहीं होगी, तो मतलब क्या है बेटू बात करें कि जो हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा गुड़िया गार्ड सेल की आउटर बॉल को बेटू बात करें किससे जोड़ देते हैं सब्सिडियरी सेल की इनर बॉल से जोड़ देते हैं, मतलब इनके बीच में सब्सटेंस का आदान प्रदान चल सकता है नहीं चल सकता, अरे चल सकता है तो उसमें चल सकता है, तो दीदी बात कर इस तरीके से यहाँ पे दो सब्सटेंस के बीच में दीदी बात कर दो सेल के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहता है, मतलब गुरु बात कर सब्सटेंस कहाँ से गार्ड सेल से कहाँ जा सकता है सब्सिडियरी सेल में, और सब्सिडियरी सेल से कहाँ सकता है गार्ड सेल में, अरे मैं कह रहा हूँ गार्ड सेल से कहाँ जा सकता है और सब्सिडियरी सेल से कहाँ सकता है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो कहाँ जा सकता है सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में, गार्ड सेल से क्या दीदी आ सकता है कि जा सकता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है, दोस्त कितने समझदार हैं आप, ऐसे बोल देते तो कई बार कितना अच्छा लगता है कि नहीं, ये वाली कंडीशन कुछ समझ में आ रही नहीं आ रहा, ये दोस्त आपका क्या
स्टोमेटा, क्या है स्टोमेटा? सबसे पहले बढ़िया बात क्या है, अगर आप इन पिक्चर को देखो, ये जो बाहर की सेल है, कौन सी सेल है बेटू बात कर रहे हैं? बाहर की सेल, इन सेलों को दीदी हमने क्या नाम दिया बेटू? इनको अपन बोलते बढ़िया बात करें जी सब्सिडरी सेल, एग्जैक्ट। तो बाहर की सेल है बढ़िया बात करें क्या? सब्सिडरी सेल। कौन सी सेल है दोस्त? दूसरी सेल गुड़ी बात करें, अंदर है जो, उनको अपने क्या नाम दिया बेटू बात करें? ये तो आउटर सेल है, कौन सी सेल है बेटू बात करें? आउटर सेल है। दूसरी सेल को अपने क्या नाम दिया बुढ़िया बात कर, देख रहे आपको ये कौन सी सेल है बुढ़िया बात करें? ये जो सेल देखिए तो कौन सी सेल है ये बुढ़िया बात करें? हमारे पास क्या है? गार्ड सेल है। कौन सी सेल है बेटू बात करें? गार्ड सेल। कौन सी सेल है बताओ बुढ़िया बात करें? चंदा दीदी कौन सी सेल है बेटा बात करें? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल गुड़िया अपन सेफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेफ की। अगर गुड़िया अपन सेफ देखे कहाँ पे? इन डाइकॉट, कहाँ पे देख रहे हैं गुड़िया अपन? कहाँ देख लेंगे? इन मोनोकॉट, कहाँ पे देखेंगे? इन मोनोकॉट। तो गुड़िया बात करें डाइकॉट में अगर आप देखो, इन डाइकॉट, और दूसरा अपन कहाँ देखेंगे दोस्त? इन मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट में गुड़िया कैसे मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे तेरी बात करें किडनी से, किडनी से। जैसे को बोलो क्या बोल सकते बेटा बताओ? बीन से, याद रहेगा दोस्त? तो अभी बुढ़े बात के मोनोकॉट बोले तो क्या बोलेगा? डंबल से। किस तरह की मिलेगी? ठीक है, आपको ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म में कनेक्शन है, और ये क्या है गुड़िया? ये पोर है। क्या है दोस्तों हमारे पास? ये स्टोमेटल पोर है। क्या है बताओ गुड़िया बात करें? ये स्टोमेटल पोर है। तो पोर गुड़िया बात करें यही रिस्पॉन्सिबल है बेटू बात करें कई के लिए, इससे ही दीदी बात करें ओ2 बाहर निकलेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, इससे ही बेटू बात करें वाटर का लॉस होगा वाटर पेपर के दौरान, इससे ही दीदी बात करें CO2 अंदर जाएगा प्लांट के अंदर। समझ गए दोस्त? नहीं आ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए? आ रहा नहीं आता? यही गुड़िया बात करें ओपनिंग होती है। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें बेटा, ये क्या बनाया दीदी बात करें आपने? ये क्या है? ये क्या बना बेटा बात करें? ये दीदी बात करें हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा है। क्या बेटू बात करें? प्लाज्मो, याद रहेगा तो सुन लेगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। क्या होते बताओ दीदी प्लाज्मोडेस्माटा बेटू बात करें? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या होते बेटू बात करें? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मतलब बेटू बात करें किनके बीच में? बिटवीन टू नियर बाय सेल, आ जाएगा नहीं आएगा? टू नियर बाय सेल, ओके। ये तो समझ जाओगे ना बेटू? टू नियर बाय सेल, ओके। चलो दीदी बात करें, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया। ये गुड़िया बात करें क्या होता है? देख रहे आपको ये पूरा का पूरा क्या है बेटू बात करें? ये क्या है? वैक्यूल है। ये क्या है बेटू? सेल वैक्यूल। देख रहे आपको दीदी बताओ ये क्या है? पक्का क्या था बताओ? ये गुड़िया सेल वैक्यूल, सेल वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है गुड़िया? अच्छे से जानते हैं बेटू बात करें। टोटल सेल का दीदी, प्लांट सेल का, एनिमल सेल में होती कि नहीं होती सेल वैक्यूल? नहीं होती है। ये बेटा बात करें प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टोटल गुड़िया बात करें प्लांट सेल का 90% कवर करता है। इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज जो वाटर होता है और साथ में एक्सक्रेटरी जो गुड़िया प्रोडक्ट होते हैं उनको भी क्या करता है? स्टोर करता है। इसके अलावा गुड़िया बात करें जो रेड कलर से बना है, ये क्या है बेटू बात करें? ये है गुड़िया बात करें प्लाज्म। ये क्या होता है हमारे पास जानते हो? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? होए क्या दीदी फोटोसिंथेसिस करेगी? नहीं करेगी। गार्ड सेल में दीदी बात करें क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि वो प्लांट सेल का दीदी प्लांट सेल ही है तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सारे होंगे। सेल वैक्यूल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है दीदी बात करें, पर फोटोसिंथेसिस करती है कि नहीं करती? नहीं। समझ पा रहे? तो इसके अंदर क्या होता है बेटा बात करें? एब्सेंट। एब्सेंट बुरे बात करें क्या? फोटोसिंथेसिस। क्यों बेटू बात करें फोटोसिंथेसिस होता है जी? कोई पूछे बताओ बेटू बात करें प्लांट की, बुरे बताओ कौन सी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती है? देखो दीदी अपन बोलते हैं लीफ करती है, अपन क्या बोलते हैं? लीफ करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन लीफ की भैया मेसोफिल सेल करती है, याद है? पूरे बात कर रहे हैं मेसोफिल सेल करती कि नहीं करती? लेकिन क्या गार्ड सेल करती है? गार्ड सेल ही करती है। आपने पढ़ी थी बेटा बात करें गुड़िया वहाँ पे सी फोर प्लांट में दो टाइप की सेल पड़ी थी, एक तो बंडल सी सेल, एक मेसोफिल सेल। अरे पढ़ी थी गुड़िया बात करें। चलो
तो फोर्सेस एब्सेंट होता है, क्यों उठे बात करें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, उठे बात करें रूबिस्को इंजन, क्या बात है दीदी, रूबिस्को इंजन, बहुत अच्छी। अगर ये क्वेश्चन दीदी आएगा ना पता तो आपको ही पता होगा सर, ठीक है। तो ये रूबिस्को इंजन क्या होता है बेटू, बात करें इसमें एब्सेंट होता है रूबिस्को, तो मैंने बुढ़िया बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, तो बुढ़े ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, कितनी अच्छी बात की। दूसरी अपने क्या बोला बेटू बात करें, और क्या होता है ग्लाइऑक्सिसोम, क्या होता है बेटू बात करें ग्लाइऑक्सिसोम, दिख रहा है कि दिख रहा है, ये क्या होता है बेटू बात करें ग्लाइऑक्सिसोम, दिख रहा है ये, ठीक है। अरे आया कि नहीं बेटू ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। ये क्या बताओ बेटू बात कर, देखा ये तुम्हें रेड कलर दिख रहे हैं, ये क्या होता है रेडियल माइसिलेशन, क्या होता है बेटू ये होता है बेटू बात करें रेडियल माइसिलेशन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा रेडियल माइसिलेशन बोलते हैं बात करें, ये जो रेड कलर के पट्टे बनाए कि नहीं बनाए, ये क्या बोलते हैं इनको, उनको बस बोलते बेटू बात करें रेडियल, क्या बोल रहे बेटू, हाँ बोल सकते बुढ़े बात करें रेडियल माइसी को अपन क्या बोल सकते बेटू, माइक्रोफिब्रिल बोल दो, ठीक है। आ जाएगी नहीं अच्छा, ये क्या करते हैं बेटू बात करें अटैचमेंट है किसका दीदी बात करें बताओ, गार्ड सेल की इनर बॉल का बेटा आउटर बॉल, समझ पा रहे, ये क्या होता है बोल बताओ, अटैचमेंट जल्दी बोलो, ऑफ दीदी बात कर, हाँ कि ना बोथ बुरे बात कर, बोथ वॉल ऑफ गार्ड सेल अटैचमेंट बिटवीन और क्या होता है बताओ, स्टोमेटल बेटा बात करें पोर होता है, क्या होता बताओ बेटा बात करें, और साथ में क्या होता है बताओ हमारे पास सब्सिडरी सेल, क्या होता है दोस्त, सब्सिडरी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये बुढ़े तीनों मिलकर क्या बनाती है बेटा बात करें आपका, आपका बनाती बुढ़े बात करें स्टोमेटल एपरेटस, क्या बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस बुढ़े बताओ कई कई की बुढ़े साइट होती है, स्टोमेटल एपरेटस कई की साइट है, अगर कोई आपसे पूछे कई की बुढ़े बताओ जरूरी है, क्यों बुढ़े बात करिए खुल रहा है, क्योंकि बेटा बात करिए क्या बुढ़े साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बेटा बात करें बोलू क्या ट्रांसपेरेंसी, इस पे बोलू बात करें सीधा बना दो बेटा क्या, ठीक है, लिखने की कोई चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो हम देखते हैं बात करें मतलब वो क्या रहा है यहाँ से, क्या हो सकता है बात करें बताओ क्या कर सकते हैं, देखो जी O2 बताओ दीदी बाहर निकलेगी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो O2 बनेगी पूरे बात करें पता है सेल के अंदर वो O2 बाहर निकलेगी, साथ में बताओ क्या होगा वाटर कर दीदी मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होगा तो वो भी बाहर निकलेगा, समझ पा रहे, और साथ में बात करें क्या होगा बताओ, सीधे बताओ अंदर कौन जा रही है CO2 जा रही है, क्या के लिए बेटा बात करें फॉर फोटोसिंथेसिस, आ रहा है नहीं आ रहा, तुमने बात करें O2 क्या होती है निकलती है वाटर वेपर के फॉर्म में, बताओ वाटर क्या होता है निकलता है, दीदी बात करो CO2 क्या होती है अंदर जाती है, अब तो CO2 अंदर क्या के लिए जा रही बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए, बुढ़िया बात करें O2 बाहर क्यों आ रही बुढ़िया बात करें, क्योंकि दीदी बात करें हमें जरूरत है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, समझ पा रहे, तो वो हमारे लिए रिलीज नहीं करे परोपकारी नहीं होता कोई प्लांट, वो तो निकाल रहा है क्योंकि उसके अंदर बेटा एक्स्ट्रा है, और आपको पता दीदी बात करें डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल रहा है, तुम ये मत सोचना कि प्लांट हमारी दया कर रहा है बेचारा, ये बेचारे शेर रह रहे हैं बाहर इंसान घूम रहे समझ पा रहे, हम ही उनको काट रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, उनका बस चले तो एक ही कतरा कतरा ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लें, समझ पा रहे हैं छोड़ दें हमें बिल्कुल ना दें, लेकिन क्या कर सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा उनके दिन रात प्रोसेस हो रही है,
पूरे बात करें क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज तो न्यू है टपका रहा है, ग्लूकोज तुम धरी रख ली, देखो तुमने स्टार्च बदल करके, और पूरे बात करें सीओ2 बाहर गैस है, तुमका कंट्रोल नहीं है, इसी में वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और बाकी पूरे बात करें वो जबरदस्ती निकालना पड़ता है उनको खुद की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, आ रहा है उसकी नहीं आ रहा है, इसको पूरे अपन बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं स्टोमेटा? स्टोमेटा कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? आउटर सर्फेस और इनर सर्फेस दोनों जगह मिलेगा। मेनली कहाँ मिलेगा बेटू बात करें? लिंपर पद की बात करेगा, आपका स्टेम यंग है तो सभी मिल जाएगा बेटू बात करें, समझ में आ रहा है कि यार। तो पूरे स्टोमेटा के अंदर वो कोर होता है, गार्ड सेल होती है बेटा बात करें, ये कंडीशन होती है। अब आते गुरु बात कर जरा देखा, आपने गार्ड सेल देखा गुरु? गार्ड सेल की बेटा अंदर वाली सेल ये है, इनर सेल, सॉरी गार्ड सेल की इनर सेल दीदी बात के मेम्ब्रेन ही है और आउटर मेम्ब्रेन ही है, देख रहे हैं आप? सेल की दो मेम्ब्रेन होगी कि नहीं गुरु बात करें? तो एक बेटा बात करें गुरु कौन सी मेम्ब्रेन? यदि इनर मेम्ब्रेन, वही गुरु कौन सी मेम्ब्रेन? तो गार्ड सेल के अंदर अपन बात करें तो उस मेम्ब्रेन कितनी होती है बताओ? गार्ड सेल के अंदर मेम्ब्रेन कितनी होती है? गार्ड सेल के अंदर पूरी बात करें दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब दोनों मेम्ब्रेन की बात करें कौन सी मेम्ब्रेन होती है बताओ पूरी? एग्जैक्ट इनर, इनर दीदी बात करो। दूसरी कौन सी होती है बताओ बेटी बात करें? आउटर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन कैसे होती है बताओ बेटी बात करें? और आउटर मेम्ब्रेन कैसे होती है? एग्जैक्ट। तो इनर मेम्ब्रेन की बात करें पूरी थिक होती है, पतली होती है और साथ में कैसे होती है बात करें? इलास्टिक होती है। कैसे होती है? इलास्टिक होती है, ठीक है। ये पूरी कंडीशन है। अब होता है क्या पूरी बात करें ओपन और पूरी बात करें क्लोजिंग की, सोचो बेटू बात करें अगर यहाँ पे शुगर आएगा, दीजिए बात करें शुगर आएगा तो कंडीशन क्या होगी बताओ? यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि पूरी बात करें कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे पानी आएगा। गुरु बताओ कहाँ से? सफिशिएंट सेल से पानी आएगा तो बताओ ये गुरु बात किसके अंदर ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी, ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी बेटा तो सेल फूलेगी, सेल फूलेगी तो सेल क्या करेगा बेटा बात करें? प्रेशर लगाएगा। पूरी बात करें किसके ऊपर? इन सेल की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर दोनों पे लगाएगा, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी लगाएगा और किसके ऊपर लगाएगा? क्योंकि पानी अंदर अंदर आएगा तो थोड़ा कोई चीज सोचेगा कि भाई आउटर पे लगाना है नहीं लगाना है, तो आउटर पे भी प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ भले होती थी बात करें। हाँ देखा ना अपने इनर पे लगा रहा है अंदर की तरफ, आउटर पे लगा रहा है बाहर की तरफ। लेकिन गुरु आपको पता बेटा बात करें पतली मेम्ब्रेन पूरी कौन सी है? आउटर है, तो आउटर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा, आउटर पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। बुढ़े बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन वो कहां जाएगी? बाहर जाएगी। अगर बाहर यदि जाएगी सोच पा रहे तो दीदी बात करें बताओ रेडियल माइग्रेशन माइक्रोफिब्रिल के द्वारा किससे जुड़ी हुई बताओ बेटू? इनर बॉल से। तो इनर बॉल को क्या करेगी? खींचेगी। सोच पा रहे ऐसी बुढ़ी इसमें कंडीशन है, पानी आएगा बेटू बात करें तो पानी आउटर मेम्ब्रेन पे भी प्रेशर लगाएगा, इनर मेम्ब्रेन भी लगाएगा। पर आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन पतली है बुढ़े बात करें तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा तो बुढ़ी बाहर खींचेगी, बाहर खींचेगी बेटू बात करें तो फिर ये रेडियल माइग्रेशन के द्वारा किससे जुड़ी है? इनर बॉल से। तो इनर बॉल को भी क्या करेगी? खींचेगी। और जब खींचेगी बेटा तो ये सेल इस तरफ जाएगी, वो सेल उस तरफ जाएगी, तो बीच में बताओ बेटा क्या होगा? जगह बिगड़ हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। अब सोचो पूरी बात करें अगर होता है क्या है कि ग्लूकोज नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, सेल दीदी बात करें क्या हो जाएगी? समर पास प्रेशर हो जाएगी, और प्रेशर हो जाएगी पूरी बात करें सेल फूलेगी क्या? नहीं फैलेगी। तो पूरी बात क्या रहेगी? आप अपने चिपक जाएगी समर पास, और आपका पोर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसकी मैक्रो अभी आपको बताते हैं, पहले पूरी बात करें क्या करो उसको बनाओ, समझ पा रहे? ये फिगर समझ गया तो उसके लिए छाप उसको चालू हो गया। चलो तो पूरी बात करें अपन देखते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे पास बुढ़े बात कर क्या था? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बुढ़े बात करें रियल में है क्या? ये इपिडर्मल सेल है, दो टाइप की इपिडर्मल सेल होती है बुढ़े बात करें। बाहर की इपिडर्मल सेल को अपन बेटा बोलते हैं सेक्सुअली सेल, एक्सेसरी सेल। ये सहायता करती है गार्ड सेल की, गार्ड सेल की टर्जिडिटी में, बुढ़े उसके फ्लेशर होने में। आपको पता हो तो बुढ़े बात करें आपका स्टोमेटा तभी ओपन हो सकता है जब बेटू बात करें आपकी गार्ड सेल क्या हो जाए? टर्जिड हो जाए। टर्जिड का मतलब बेटा बात करें फूल जाए, समझ पा रहे? इसके अंदर बुढ़े बात करें अगर पानी आएगा कहाँ से? बुढ़े बात करें गार्ड सेल से अगर पानी आता जाएगा तो बेटा बात करें सब्सिडाइज सेल में, सब्सिडाइज सेल के अंदर पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो बुढ़े बात करें अल्टीमेटली पानी क्या करेगा? इस गार्ड सेल की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा। बुढ़े बात करें गार्ड सेल की दीवार के बाहर की दीवार कैसे होती है? पतली होती है, इलास्टिक होती है, मतलब थिन इलास्टिक होती है। अंदर की बॉल कैसे होती है बेटा बात करें? थिक और इलास्टिक होती है। तो बुढ़े ज्यादा इफेक्ट पानी का कहाँ पड़ेगा बेटा? थिन बॉल पे। तो थिन बॉल कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। बाहर जाएगी बुढ़े बात करें तो बाहर की बुढ़े बात करें जाने के बाद ये क्या करेगी? अंदर वाली बॉल को भी बाहर खींचेगी। कैसे? क्योंकि आउटर बॉल बुढ़े बात करें बॉल से कनेक्टेड है रेडियल माइग्रेशन के द्वारा, उसको बुढ़े बात करें माइक्रोफिब्रिल, मतलब रियर में बुढ़े बात करें अंदर वाली बॉल को बाहर कौन ले जा रहा है? माइक्रोफिब्रिल। और बाहर वाली बॉल को बाहर कौन ले जा रहा है? वाटर का प्रेशर। सोच पा रहे दोस्तों? सोच पा रहे? तो कंडीशन बुढ़े बात करें अल्टीमेटली पानी आता जाएगा तो आपकी सेल क्या हो जाएगी? फूलती जाएगी। बुढ़े बात को फूलेगी, मतलब फूलने का मतलब क्या है बेटा? पानी ज्यादा आ रहा है तो बुढ़े बात की ज्यादा पानी, ज्यादा बाहर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर बुढ़े बात के ज्यादा बाहर, बुढ़े बात सेल जाएगी, ज्यादा बाहर जाएगी तो बुढ़े बात का उतने ही प्रेशर के साथ ही अंदर वाली बॉल को बाहर खींचेगी। तो जो बेटा बात की सेल उस तरफ जाएगी, ऐसी गुरु बात की इसकी वाली सेल इस तरफ बेटा होगा, बाहर वाली सेल पतली है, पानी ज्यादा है, बुढ़े इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, पानी अगर ज्यादा इफेक्ट डालेगा इफेक्ट उस पर भी पड़ रहा है, बुढ़े बात लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा क्योंकि
ये मोटी सेल की बात करें, बाहर अगर सेल ये जाएगी तो अंदर वाली सेल को भी खींचेगी लेटर माइग्रेशन के द्वारा, तो बेटा बात करें ये सेल भी बाहर आएगी, तो दोनों सेल बताओ बुरी बात की दूसरे दूर दूर हो रही कि नहीं हो रही, तो बीच में बुरी बात करके क्या हो जाएगा, पोर बनता जाएगा, और पोर बनेगी बुरी बात करें तो आपका जो भी पर्पज करना था गैस का एक्सचेंज करना या वाटर का ट्रांसपरेशन करना वो हो जाएगा बुरी बात करें। लेकिन कभी जब बुरी बात करें हमारे पास नाइट टाइम होता है, नाइट टाइम होता है बुरी बात करें तो क्या होता है अल्टीमेटली बुरी बात करें, अगर सोचो ये तो नाइट टाइम छोड़ दो बोलो समझ पर डे नाइट वाला कंसेप्ट हम गलत करेंगे, ये जो पहले बुरी बात के बुक्स में दिया गया था वो गलत कंसेप्ट था ठीक है। अभी सोचो बुढ़िया अगर पानी अंदर आएगा तब ये कंडीशन होगी ना बुरी बात करें ये फूलेगी, लेकिन बेटा अगर इसका पानी बाहर निकल जाए बोलू तो अगर सेल का पानी बाहर निकल जाए तो बुढ़े बताओ सेल की टैजिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि गुरु बात कर तुम तो एक चीज देखो बेटा पानी अंदर आना चाहिए, क्या चाहिए गुरु बात कर पानी अंदर आना चाहिए, पानी अगर अंदर आएगा दीदी बात करें तभी बुढ़िया बात करें अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी बुढ़ी बात सॉरी तभी अंदर बेटा बात करें पानी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी बुढ़े बात कर ट्रेजिटी बढ़ेगी तभी ट्रेजिटी बढ़ेगी बात कर तभी सेल बेटा बाहर जाएगी समझ में, तभी बुढ़े बात कर पोर ओपन होगा। दूसरी कंडीशन की बात क्या है बुढ़िया बात करें हमारे पास अगर हम बोले कि पानी बाहर चला जाए दीदी या पानी हमारे सेल के अंदर ना आए तो क्या बताओ आपकी सेल ट्रेजिट होगी नहीं होगी, सेल ट्रेजिट होगी तो सेल दीदी कैसे होगी फ्रेशर होगी, क्या होगी फ्रेशर मतलब दीदी बात करें कैसे होगी बताओ सेल चिपकी हुई होगी, सेल फूलेगी नहीं सेल कैसे रहेगी चिपकी हुई रहेगी। तो बताओ बेटी बात करें जब पानी नहीं होगा तो क्या ये पानी नहीं होगा बुढ़े बताओ तो बाहर की बॉल पे कोई प्रेशर लगाने वाला है नहीं है, अगर नहीं है बेटा बात करो जो बाहर की सेल बाहर जाएगी नहीं तो ये अंदर की सेल को कैको बाहर खींचेगी सोच पा रहे तो ना बुढ़े बात करें ये बाहर जाएगी नहीं गुरु ये बाहर आएगी तो ये क्या रहेगी आपस में चिपकी रहेगी, मतलब क्या होगी बेटी बात करें सेल ही कैसे फ्रेशर है सेल, फ्रेशर का मतलब दीदी बात कर जानते सेल कैसे बुढ़े बात करें मतलब स्थूल है कि दीदी बात करें चिपकी हुई है सॉफ्ट है, तो बेटा बात करें पोर क्या रहेगा बंद रहेगा। लेकिन दीदी बात का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को समझाने के लिए आज तक दीदी बात करें सब कोई भी 100% गुड़िया जो क्लोजिंग को और ओपनिंग को समझा दे ऐसा कोई गुड़िया कंसेप्ट ही नहीं आया सोच पा रहे आपकी बुक में बेटा बात करें एक कंसेप्ट ने गुरु दे रखा है जो ओपनिंग और क्लोजिंग को समझा है बस स्टोमेटा क्या होता है ये बता देगा, पर गुरु बात करें ओपन कैसे हो रहा है और बंद कैसे हो रहा है इसके बारे में उसने बिल्कुल बात नहीं की। अभी आपको पढ़ाई एनसीईआरटी की नहीं पढ़ाई इसको पढ़ाने के बाद मैंने दीदी एनसीईआरटी पढ़ाई स्टोमेटा क्या होता है स्टोमेटा कहाँ ज्यादा होता है स्टोमेटा कहाँ कम होता है दीदी बात कर डॉर्सी वेंट्रल लीफ गुड़िया बात कर हमने बोला डॉर्सी वेंट्रल लीफ है ये डाइकोट में तो मतलब ऊपर और दीदी नीचे स्टोमेटा होते हैं समझ पा नीचे ज्यादा होते हैं ऊपर कम होती है ऊपर डायरेक्ट लाइट गिरती है बाटर के लॉस से बुरी बात करें बाटर के बेटा बात कर लॉस को बचाना है अगर गुड़िया बात कर मोनोकॉर्ड है तो आइसोबाइलेटरल लीफ दीदी बात कर दोनों सर्फेस पे बराबर गुड़िया बात कर स्टोमेटा होते हैं ये सारी बात की पर उसने कही एक बार ये बात की मैंने आपको क्यों पढ़ा गुड़िया क्योंकि मुझे पढ़ाना था बेटा कि ओपन और क्लोज कैसे होते हैं इसने ये एक बात कही नहीं की गुरु बात करे कि ओपन और बेटा बात का स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं सोच पा रहे वैसे तो गुड़िया बात करे कोई जरूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं बताया दीदी बात करे तो आपके एग्जाम में तो आने वाला है नहीं लेकिन कभी अगर आएगा गुड़िया बात करे तो इसके बारे में आपको दो लाइन लिखा देता हूँ ठीक है और आप चाहो तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूं आप चाहो तो मैं आपको पूरा बना देता हूँ उसको तुम देख लो एक बार बेटा ठीक है रफ के फॉर्म में लिख लो जल्दी जल्दी समझ पा रहे कि नहीं आ रहे पर बेटा बात करे वो उसके क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं आएगा मतलब क्यों क्योंकि एनसीईआरटी ने बात नहीं की। दूसरी कंडीशन तो दीदी बात करें बता स्टोमेटा के ओपन होने के लिए बेटा बात करें स्टार्च सुगर गुड़िया बात करें कंसेप्ट सबसे पहले आया दीदी बात करें जो भी गुड़िया एकदम झूठा झूठा कंसेप्ट था कैसा था गुड़िया बात करें अब उसने भी जो दिया दीदी अपने बुक का था वो किसके आधार पर दिया अपने बेटा एबिलिटी के आधार पर दे दिया उसने क्या सोचा है प्लांट सेल ऊपर से लीफ की सेल होता होगा क्या होता होगा दोस्तों को पता था कि क्लोरोप्लास्ट भाई साहब क्या होता है बात तो क्लोरोप्लास्ट गुड़िया बात करें तो फोटोसिंथेसिस तो हो रहा होगा अब सोचो गुड़िया फोटोसिंथेसिस होगा गुरु बात करें तो ग्लूकोज बनेगा गुरु बात करें इस सेल के अंदर बेटा बात करें तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी गुड़िया बात करें तो बाहर वाली सेल से पानी भी आएगा क्योंकि गुड़िया बात करें जहां पे ग्लूकोज ज्यादा याद है वो ऑस्मोमीटर आलू पोटेटो का बनाया था आपने शक्कर भर दी थी तो बाहर के बिलियन से पानी अंदर आ गया था बेटा सॉल्यूशन बन गया था शुगर सॉल्यूशन वाली दीदी ठीक है तो अपन ने क्या बोला था गुड़िया बात शक्कर बढ़ेगी गुड़िया बात करें तो इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी गुड़िया बात करें सॉल्यूट की सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्लाज्मोडेसमेटा के द्वारा बेटा बात करें बाहर की सेल से पानी अंदर आएगा पानी अंदर है गुड़िया बात करें तो सेल के अंदर बेटा टर्जिडिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा तो बोलो ये सेल बाहर जाएगी तो ये अंदर वाली सेल को बाहर ले जाएगी ये गुड़िया बात करें अंदर वाली सेल को बाहर ले जाएगी सोच पा रहे हो अंदर वाली सेल को क्या ले जाएगी बाहर हमने किससे क्या कहा एक बार सुनो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो इनके अंदर गुड़िया बात करें ग्लूकोज बन रहा होगा स्टार्च बन रहा होगा तो इसके अंदर बेटू बात करें कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूट की सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी बेटा बात करें सोच पा रहे हो तो गुड़िया बात करें बताओ बाहर वाली सेल से मतलब सब्सिडरी सेल से पानी अंदर आएगा गुड़िया बात करें ड्यू टू एंडोसमोसिस के द्वारा अरे यार नहीं आ रहा गुड़िया बात करें अगर पानी आएगा बेटू बात करें तो क्या होगा गुड़िया बात यहाँ पे क्या होगा सेल ट्रेजेड होगी सेल फूलेगी आपको पता है पानी आएगा तो बताओ किस सेल पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा बाहर वाली सेल पे लगाएगा तो दोनों पे बराबर है बट बाहर वाली पे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि बाहर वाली सेल कैसी पतली इलास्टिक है दीदी बात करें तो ये बाहर खींचेगी तो रेडियल माइग्रेशन के द्वारा ये दीदी अंदर वाली सेल को बाहर खींचेगी अगर ये सेल इधर जाएगी तो ऐसे इस सेल में इधर ही जाएगी तो बताओ दीदी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे खुल जाएंगे ऐसा दीदी बोला है स्टार्च सुगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें ठीक है। और ये कब होगा गुरु ड्यूटी बात करें ड्यूरिंग डे टाइम ये कब होगा दोस्तों ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि डे टाइम भी गुरु बात करें फोटोसिंथेसिस होगा लाइट की प्रेजेंस में ये अच्छे से जानते हैं आप नाइट की समय यदि बात करें क्या होगा
नाइट के टाइम वीडियो बात कर ये होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है, और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं दीदी बात कर तो उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा नहीं, और ग्लूकोज बनेगा नहीं बेटे बात कर तो जितना पूरे दिन के बन चुका था समझ में, वो तो दीदी सेल्फ भी तो एक्टिविटी कर रही है तो वो खर्च कर देगी। अब रात के समय दीदी ग्लूकोज रहेगा नहीं, रहेगा नहीं बेटे बात कर तो बताओ अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सॉलिड की, तो बेटे बात कर फिर वाटर अंदर बाहर नहीं, अंदर नहीं आएगा ज्यादा, फिर बाहर अपने वाटर बाहर निकलने लगेगा, और वाटर बेटे बात कर बाहर निकलेगा बेटे बात कर, सोच पा रहे हो वाटर बाहर निकलने क्यों गुरु, क्योंकि ग्लूकोज तो सेल भी तो खाएगी सोच पा, क्योंकि सेल काम करेगी बेटे कॉन्टेक्स्ट रिलेशन। तो अपन कंडीशन की बात करें क्या है दोस्त, बात करें वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकले गुड़िया बात करें तो इसके अंदर टाइजिडिटी कम होती जाएगी, टाइजिडिटी कम गुड़िया बात करें तो कंडीशन क्या हो गुड़िया बात करें, बाहर वाली सेल के ऊपर प्रेशर लगाने वाला दी वाटर कम हो जाएगा, तो बाहर वाली सेल दीदी बाहर स्ट्रेस नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी तो अंदर वाली सेल को बाहर दीदी खींचेगी नहीं, खींचेगी नहीं गुड़िया बात करें तो सेल क्या हो जाएगी फ्रेशर हो जाएगी, और सेल दीदी बात करें अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेगी रीगेन कर लेगी, समझ पा रहे, जो पहले चिपकी हुई थी तो वापस आ जाएगी गुड़िया, इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो बोले जाता है कि मोस्ट ऑफ प्लांट में गुड़िया बात कर ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्या होते खुलते और नाइट टाइम क्या होते बंद होते, ये सही बात है, लेकिन अगर इनसे बोला जाए कि भाई साहब रात के समय जिन प्लांट के अंदर स्टोमेटा खुलते हैं उनके यार कंसर्न बताना कैसे होता है, तो ये ढेर होगा समझ में आ रहा है रात के समय मून लाइट में करवा देते क्या फोटोसिंथेसिस दीदी बात कर, इतनी तो लाइट नहीं होती मून लाइट दीदी बात कर समझ में आ रहा है यार, हमें रात को दिखता तो है नहीं, बताओ ये फोटोसिंथेसिस कहां से करेंगे, इतनी हीट कहां से मिलेगी, रात को हम छाता लेके निकलते तब रात धूप आ रहा ज्यादा समझ पाए चंद्रमा की, ये बड़ी अच्छी लगती है धूप, जब दिन देखो हम बाहर निकलो चंद्रमा दिखता है तो लगता है पांच मिनट को और निहार लो कितना अच्छा लगता है, कितनी ठंडी दीदी बात कर समझ पा रहे, उसने अच्छी लगती है उसको देख के ठंडा फील होती है नहीं होती है, और सूर्य को देख करके गर्मी फील होती है, आंखें भी मिला पाती उससे, इसका मतलब गुड़िया बात करें रात के समय बताओ कैसे गुड़िया ओपन होते हैं स्टोमेटा ये नहीं बता पाए समझ पा रहे, मतलब ये कंसेप्ट गुड़िया बात करें पता है, और डिस्प्रूव कैसे हो गया जब गुड़िया पता चला कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता ही नहीं है दीदी बात करें, फोटोसिंथेसिस का मतलब गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस तो होता है रियल में तो होता है गुड़िया बात करें, रियल में मैंने कैसा कहा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कहा कि नहीं कहा, तो रियल में गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रियल में होता तो है समझ पा रहे, ये कैसी बात है कि हो रहा है नहीं हो रहा है गुड़िया बात करें, केवल लाइट रिएक्शन होती है, क्या होती है दोस्त लाइट रिएक्शन, मतलब गुड़िया बात करें केवल एटीपी बनते क्या बनते दोस्त, तो जो गुड़िया फोटोसिंथेसिस था भी था क्योंकि रूबिस को तो भाई साहब डायरेक्ट रिएक्शन के रिलेटेड था, मैंने कभी नहीं कहा कि फोटोसिंथेसिस दीदी बात करें होता है, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन मेरे कहने का पर्पस समझे दोस्त, डार्क रिएक्शन नहीं होती है ग्लूकोज नहीं बनता है, लेकिन गुड़िया बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट है तो गुड़िया क्लोरोफिल होगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लाइट रिएक्शन होती है एटीपी बनती है, पर गुड़िया बात करें बेटा डार्क रिएक्शन नहीं होती क्योंकि रूबिस को नहीं होता, तो गुड़िया बात करें क्या हो जाएगा बेटा बात करें CO2 का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, तो मतलब गुड़िया बात करें जो ओपन होता है जो गुड़िया बात करें फैलता है कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके लिए बेटू बात करें समझ पा रहे, इसके लिए गुड़िया बात की एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी दीदी बात करें कहां से आएगी बताओ गुड़िया बात करें, अब आपने बोला कि ये ओपन होगा क्लोज होगा इसके लिए एनर्जी की जरूरत ही कहां है, कहीं जरूरत ही नहीं है, पानी आ रहा है भाई साहब आपने बोला ऑस्मोसिस हो या डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग होती है, एनर्जी की जरूरत कहां है, है ही नहीं दीदी बात का समझ पा रहे, तो फिर जो लाइट रिएक्शन के द्वारा गुड़िया के अंदर एटीपी बने वो कहां गए, उसका यूज कहां हुआ, दूसरे साइंटिस्ट दीदी आए लैबेट, कौन आए गुड़िया लैबेट, लैबेट ने बताया मैं बताऊंगा समझ पा रहे, क्या बताऊंगा ओपनिंग बता दूंगा, क्या बता दूंगा, तो इनसे बोला क्लोजिंग कौन बताएगा, कह रहे वो नहीं बता समझ पा रहे, तो गुड़िया बात करें अभी तक का जो बेटा बात करें मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड गुड़िया बात करें कंसेप्ट वो है बेटा बात करें पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्शन थ्योरी समझ पा रहे, जो गुरु किसने दी थी बेटा बात कर रहे लैबेट ने दी थी, किसने दी थी बेटा बात कर रहे, जो गुरु वो बात करी ग्लूकोज स्टार्च फॉर्मेशन कंसेप्ट देखेगा ये सही देखेगा कि एकदम झूठे झूठे थे, झूठे झूठे इनके झूठे झूठे कंसेप्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हम तो दीदी बात कर रहे पता है पढ़ना ही नहीं है कि क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, झूठा दे रखा होता तो हम थोड़ी बहुत खींच भी लेते हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया, तो इसको दीदी अपन क्या करते अवॉइड करें और आगे निकल जाए नहीं निकल जाए ठीक है, इसमें कुछ समझना है क्या नहीं, तो गुरु बात कर अपन आते हैं गुरु बात करें दुबिटा ठीक है, सबसे पहले गुरु कौन है लेबेट आए, कौन है गुरु बात करें लेबेट, हाँ कि ना, इधर का रूमर कौन लेके चला जाता है, इसके ऊपर सबकी नजर रहती लगता है कि ये राजेश की नजर है, वो भी कह रहा है मुंह बांध के ले जाके चाहे पहचान नहीं पाएगा कि कौन ले गया समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि सर, और बोल देगा कि सर देखो मैंने देखा कोई ले गया तो उसका मुंह बंधा था ठीक है, तो कंडीशन की बात ऐसी है हमारे पास, हो जाएगा तो उसमें हो पाएगा, बीच वाले भैया यस सर तुम्हें याद आ रहा है कुछ हो रहा है याद नहीं हो रहा है, हो रहा ना सर पक्का, सुनाने स्टार्ट करो इसके बारे में, ओपनिंग क्लोजिंग वाली थ्योरी झूठी है वो छोड़ दो, तुम तो ये बताओ गार्ड सेल के बारे में बताओ कैसा शेप थ्योरी है, गार्ड सेल का शेप क्या होता है सर, इनर वाला में रहता है वो थिक रहता है और जो आउटर वाला रहता है वो थिन रहता है, एग्जैक्ट बहुत अच्छे हैं, किसकी वजह से गुरु बात करें सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से, सही बोला कि कुछ गलत बोल गया भैया ठीक है, चलो दीदी बात करें अपन क्या देख रहे गुरु बात करें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ तो गुड़िया पहले तो तुम लिख लो दो पॉइंट है कि नहीं दोस्त, फिर अपन बताते हैं कैसे क्या होता है, सबसे पहले बेटू बात क्या अपन क्या बताते ओपनिंग, क्या बताते बेटू
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके बारे में बताओ वीडियो बात करें, किसने बताया? लेबेट ने। क्या बताया वीडियो बात करें? तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की वीडियो केवल और केवल क्लोसिंग ये भी नहीं बता पाए तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए वाइडली एक्सेप्टेड बीटा बात करें, हाँ कि ना? कंसेप्ट क्या है वीडियो बात करें हमारे पास इसके लिए वीडियो बताओ लेबेट ने, किसके अकॉर्डिंग वीडियो बात करें, हाँ कि ना? अकॉर्डिंग टू लेबेट, लेबेट साइंटिस्ट थे बेटू, ठीक है? जिनने वीडियो बताओ केवल किसके बारे में बता पाई है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के द्वारा। और इन्हें वीडियो कॉन्सेप्ट कौन सा दिया बेटा, दिया इन्हें दिया वीडियो बात करें पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी। क्या दी बेटू बात करें? पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी। समझ पा? ये वीडियो बात करें पहला कॉन्सेप्ट था, इसके द्वारा वीडियो बात करें, मतलब यही कॉन्सेप्ट है जो वीडियो आपको क्या बताता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और दूसरा वीडियो बात करें आता है बेटा बात करें क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपनिंग को नहीं बता पाए लेबेट। तो फिर दीदी बात करें क्लोजिंग के लिए कौन सा है बेटू बताओ हमारे पास? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में वीडियो बताओ जानकारी किसने दी बेटू बात करें? ये स्टोम जो हमने बोले ना क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वीडियो कौन करता है वीडियो बात करें? किसके द्वारा होता है बेटू बताओ ये? वाई स्ट्रेस हार्मोन। किसके द्वारा होता है? वाई स्ट्रेस हार्मोन। दीदी याद है कौन है बेटा? एबीए एब्सिसिक एसिड। अगर याद आ रहा है क्या बोला था बेटा इसको बने? एब्सिसिक, ठीक है ना? एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड क्या होता है बताओ जरा? एब्सिसिक एसिड क्या होता है बोले बताओ? एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में पढ़ा है कभी अपने वीडियो बात करें? कहां पढ़े थे एसिड? एग्जैक्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पढ़े थे दीदी बात करें। वहां पढ़े थे क्या अपने? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, याद है दीदी बात करें? देखो सबसे पहले ऑक्सिन है, फिर बुढ़िया बात करें हमारे पास जिब्रेलिन है, फिर बुढ़िया बात करें साइटोकाइनिन है, फिर बुढ़िया बात करें हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है और इथाइलिन है, हाँ कि ना? ये पांच है। तो बुढ़िया एसिड को अपन दी नाम क्या देते बेटा बात करें? स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलती बुढ़िया? स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते प्लांट का, ठीक है बुढ़िया बात करें? ये कंडीशन है। अगर अपन बात करें तो क्लोजिंग के बारे में कौन बता पाया था? क्लोजिंग ऑफ वीडियो बात करें बताओ, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में किसने दिया थी बताओ वीडियो बात करें? कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया, ठीक है? बस दीदी बात करें अभी तक कि जितने साइंटिस्ट ने वीडियो बात करें जो कंक्लूजन निकाला गया वो ऐसा लगा दीदी बात करें कि जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वीडियो बात करें वो होता है किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। और एब्सिसिक एसिड वीडियो बात करें प्लांट के अंदर तब बनता है जब वीडियो बात करें क्या होता है? वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती। क्या थी वीडियो बात करें? आपके अंदर कोई आपसे पूछे बताओ वीडियो बात करें कि एब्सिसिक एसिड कब बनता है आपके अंदर? जैसे कुछ अपन को पता है हमारे अंदर कोई हार्मोन होते ही नहीं होते, एंजाइम होते ही नहीं होते। एडीएचडी भी बात का जो हार्मोन था एंजाइम था, एडीएचडी एंटी डायबिटिक हार्मोन था, नहीं था। ये आपकी बॉडी में पहले से रहता है कि बनता है दीदी? जरूर पढ़ने पर बनता है। बोले बात करें कौन बना रहा था याद है? अपने बोले बोल था ब्रेन, ब्रेन दीदी बात कर हाइपोथैलेमस ने बनाया था और स्टोर किया था बोले इसको पोस्ट पिट्यूटरी में, समझ पाए दोस्त? और जरूर पढ़ी तो निकल गया था बोले। ऐसे बेटा प्लांट में एबीए एब्सिसिक एसिड दीदी बात करें तब बनता है जब बेटा बात करें प्लांट के अंदर क्या आती है? वाटर स्ट्रेस कंडीशन। क्या आती है बताओ? तो ये बेटा बताओ कब बनता है? फॉर्म बुढ़े बात करें ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या बेटू बात करें? जब दीदी बात करें जल का तनाव आता है, जब जल कम होता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन उसको बोलते हैं। अगर प्लांट बेटू बात करें ज्यादा हमारे पास जैसे धूप ज्यादा है बुढ़िया, याद रखिए यार, धूप ज्यादा है बेटू बात करें तो ज्यादा वाटर का लॉस बेटा ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कर दिया होगा प्लांट ने। अब बुढ़िया बात करें कि ज्यादा लॉस कर दिया गोलू बात कर तो पानी की कमी आ गई होगी, तब गोलू जाके कौन स्टार्ट हो जाता है बेटा? कौन बनता है? एबीए। और एबीए बुढ़िया बात करें ज्यादा बनता है तो वो गोलू किसको बंद कर देता है बेटा बात करें? किसको बंद कर देता है? गोलू बात करें वो बुढ़िया स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो अभी तक का बुढ़िया बात करें जितना मॉडर्न बुढ़िया बात करें समझ पा रहे प्लांट फिजियोलॉजी में कंसेप्ट निकल के है वो ये है बुढ़िया बात करें कि स्टोमेटा के बंद होने के लिए जिम्मेदार है एब्सिसिक एसिड का बनना, क्योंकि बेटा ये बनता है और एक्टिव तब होता है गुरु जब प्लांट में बेटा वाटर की कमी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन। और गुड़िया बात करें ओस हमारे पास स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए कोई जिम्मेदार है तो गुड़िया बात करें वो क्या बेटू बात करें? लेबेट के अकॉर्डिंग पोटेशियम हाइड्रोजन आयन में एक्सचेंज होता है दीदी बात करें। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ रहा है? इसको दीदी बात करें पहले क्या करो? नोट करो, करो नोट बेटा फटाफट जल्दी से। अब देखो गुरु सुन लो बेटा, इसके बारे में अगर मैं आपको दीदी ना भी बताऊं समझ पा रहे ओपनिंग कैसे होता है गुरु, तो बस इतना आना चाहिए गुरु बात की पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, समझ पा रहे? और गुरु बात कर बंद होने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक्टिव कब होता है बेटा प्लांट में? जब दीदी बात करते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन आती है, समझ में आ रही है? तब ये दीदी बात के प्लांट बनता है। चलो नोट करो फटाफट,